बीवी और दहेज में मिला स्कूटर दोनों ही पुराना होने पर खटारा हो जाते हैं, फिर धकेलते रहो, दोनों को बदला नहीं जा सकता। इस कमबख्त स्कूटर को खींच खींच कर दुबला हो गया हूं मैं, अब क्या करूं। ए छोटे, क्या हुआ मोटे? अरे स्कूटर का हार्ट फेल हो गया, जरा देख तो क्या हुआ। अरे छोटे, मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ मेरे भाई, जरा आकर देख तो ले इसको। रुको, आता हूँ। नए जमाने में भी खटारा चला रहे हो? अरे ये कंपनी तो मेरे पैदा होने से पहले ही बंद हो गई थी, इसके पार्ट तो चाइना भी नहीं बनाते। अबे चुप, तू बनाएगा कि नहीं? उधर देखो मोटे, नहीं है। वैसे जक्कास भाई यहाँ ठीक होने के लिए आती है, वो भी वेटिंग में रहती है। मेरे बॉस नया मॉडल के अलावा किसी और के तरफ नजर उठा के देखते भी नहीं है। बच्चा समझ लिया है क्या? ए, क्विकर पे बेच डालो इसे। सुन लिया ना क्या कहा? अपन सेल फोन को सेल फोन बनावा और क्विकर पे बेच दा, तुम्हारा मामला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अरे कौन है तेरा बॉस जो धूम के विलेन से भी तेज बोल रहा है? विलेन नहीं, हीरो है, उसकी एंट्री देखो। कहाँ है तेरा हीरो? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? लो आ गया अपना हीरो। देर आया लेकिन दुरुस्त आया। आ गया मैं। अरे यार, तुमने हमारे रेस का सारा टाइम खराब कर दिया। अरे यार, अभी भी बहुत वक्त बचा हुआ है, उसी में रेस करके देखेंगे हम लोग। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जरूरी नहीं है, रफ्तार जरूरी है जिससे चुटकियों में मीलों का फासला तय हो जाए। अरे छोड़ो बकवास मत करो, रेस कहाँ से शुरू होना है वो बताओ। यहीं से, यहीं शुरू और यहीं खत्म। और मिलेगा क्या? बाइक और पैसे। कितना? 1 रुपया। और हार गया तो? अबे ठुल्ले कहीं के, अगर हार गया तो अपनी बाइक यहीं छोड़कर मामा की बारात में शहनाई बजाना और भजन गाना। तुम ही चालाक नहीं हो, 1 रुपए के लिए मैं अपनी गाड़ी दांव पे नहीं लगाऊंगा, पागल समझाएगा। करेक्ट, रिस्क में ही तो किक है, येड़ा बनकर पेड़ा खाओ नहीं तो वड़ा पाव भी नसीब नहीं होगा तुमको। बात तो ठीक है लेकिन रकम तो थोड़ी बढ़ाओ। पैसा जितना बोला उतना ही रहेगा, अगर हिम्मत है तो बगल में आ जाओ। अरे ये तो लॉरेंस है। झक्कास, वेलकम भाई। थैंक यू। यहाँ पर कैसे, फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? बहुत उड़ रहा है ना, चल तुझको मजा चखाता हूँ मैं। माफ करना भाई, ये फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये हकीकत की रेस है। जरा सा हिले कि धूल में मिले, बाइक गैराज में और तुम अस्पताल में पहुंच जाओगे, सोच लो। देखो हिम्मत है तो टिके रहो, वरना डर रहे हो तो मेरे पीछे बैठ जाओ। हिम्मत भाई, लोग वड़ा पाव लेकर रखना, मैं जीत कर आता हूँ। Seconds of the clock is fine, and I ain't gonna stop till the sun goes shine.
बेवकूफ है, फिनिशिंग लाइन पे आके ब्रेक लगाने की क्या जरूरत थी? शक्ल क्यों उतर गई तुम्हारी? छे, एक नंबर की खटारा ही है। तुम सोच रहे होगे कि लड़कियों का स्कर्ट उड़ाकर बस के पास से निकलकर इतना तेज चलाकर लाइन पर आकर ब्रेक क्यों लगाया मैंने? जानते हो तुम्हें क्या लगा कि टायर और लकीर के फासले को तय करना ही जीत या हार होती है क्या? ऐसा नहीं है दोस्त, दूसरों की तरह बाइक रेस हारने के डर से तुम ये रेस छोड़कर भाग नहीं गए ना, इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे ना ये चापलूस लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरी तरह जो खतरे से रूबरू होते हैं ना, मैं उन्हें सलाम करता हूं। मेरे साथ रेस करना जिगर वालों का काम है, और जिगर वाले खतरों को ठोकर मारते हैं। हाँ, एक और जरूरी बात, कमजोर लोगों को हराना मेरे फितरत नहीं है भाई। तो फिर ये रेस किसने जीती, तुमने या फिर मैंने? हम दोनों ने। तुम खूब तरक्की करो, भूलना मत सीधे इंटरव्यू के लिए जाना, किसी लड़की के पीछे मत जाना। मैंने ठान लिया कि ऑफिस खुलने से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगा। हाय निठल्ले। हाय निकम्मा, इधर कैसे आना हुआ? बहुत अच्छे लग रहे हो। इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं। अच्छा? सुनो, टीवी पर जैसा बाबा लोग राशिफल बताते हैं ना, वैसा ही करना चाहिए। हाँ, तभी कामयाबी मिलती है। राजा बिल्कुल ठीक कह रहा है, टीवी ऑन करो। करो करो, केबल का पैसा दिया है कि नहीं दिया? वृश्चिक राशि वालों को होशियार रहना। ये तो मेरी राशि है। आपका आज का दिन बेहद खराब है, जिंदगी में डंक लग सकता है, इसलिए मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो आपका काम तमाम समझिए, नए लोगों से मिलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अरे बाप रे, इसके चक्कर में देर हो जाएगी। सफर पर निकलते ही यमराज से मुलाकात होगी, वो लॉरी ट्रक या बस की शक्ल में आपसे टकराएंगे। सुना ना तुमने, आज तुम कहीं मत जाओ, तुम घर पर ही रहो। आपके ऊपर उस जानवर का श्राप है जिसके चमड़े से पहनने वाली चीजें बनती है। अरे चमड़े वाली चीजें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, आप इसके जूते उतारिए। मैं इसका एक बात का ख्याल रहे, रंग का असर बहुत भारी पड़ सकता है, लाल रंग नीला रंग ना पहने तो बेहतर है, नहीं तो मार पड़ेगी। कपड़े के बगैर तुम फिल्म के आइटम बॉय लगेंगे। मुन्ना बदनाम हो गया आज इंटरव्यू के लिए। एकदम, इसके लिए तो चड्डी भी उतारनी पड़ेगी। चलो उतार दो। इतनी बदनामी भी ठीक नहीं है, ये मेरे नाना की निशानी है, माँ को दहेज में मिला था ये। धारीदार कच्छे की वजह से इज्जत भी जाएगी। अब ये भी उतारूंगा तो सेंसर वाले घर आ जाएंगे। चड्डी तो रहने दो यार। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किसी दिशा में नहीं जा सकते। फिर तो संडास की दिशा के अलावा और कोई दिशा बची नहीं है। अबे तेरे खुद के दिन खराब चल रहे हैं और तू दूसरे को उपदेश दे रहा है। इस टीवी स्टेशन की दशा खराब हो गई है, इसलिए ये प्रसारण बंद हो रहा है। अरे वाह, ये कमीना मेरी मुलाकात यमराज से करवा रहा था और यमराज खुद इसके बाजू में चरपाई डालकर आइसक्रीम खा रहे थे। इसने मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए, इसके चक्कर में मैंने अपना इंटरव्यू मिस कर लिया। माँ, अबे निकम्मा, मुझे नंगा छोड़कर कहाँ जा रहा है तू? तुम खुद को पढ़ा लिखा कहते हो ना, साइंस जानते हो, कंप्यूटर जानते हो, फिर भी ज्योतिष पर यकीन रखते हो। उसने कहा और तुमने मान लिया। अब तो तुम्हारा भगवान ही भला कर सकते हैं। भला होगा मेरा, बुरा होगा तेरा। अच्छा बेटा, टीवी वाले खुद का भविष्य नहीं दिखाते हैं? क्यों दिखाएंगे, ये तो हमें दिखाकर बस मजे लेते हैं। हाँ रोको रोको, यहीं रोको, ये लो, आ जाओ बाहर आ जाओ। देखो तो 3 फीट के ऑटो से 6 फुट का खंबा निकला है, साथ में 4 फीट की डंडी भी है। शुक्रिया साहब। रुक मैं बताता हूँ, यहां रख के वहां मारोगे तो उस पॉकेट में जाएगी। मैं बताता हूँ, वहां रख, इसे मारेगा तो यहां से टक्कर खाकर इसमें जाएगी। मार। कहां से आए हो? गांधीनगर से। तब तो नोट पर गांधी जी की जगह तुम्हारी तस्वीर होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये गांधीनगर से है। अच्छा, क्या करते हो? मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूँ। अभी गैरेज पेंट नहीं करानी है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं ड्राइंग मास्टर हूँ। आगे पास में जो स्कूल है ना, उसमें पढ़ाने आया हूँ। ये साइड इफेक्ट कौन है? ये मेरी बीवी है, नाग लक्ष्मी। फन मारती है क्या? जहरीली नहीं है,
मैंने इस इलाके में किराए पर घर लिया है, अंदर जाना है नहीं तो दूध फट जाएगा। निकालो दोनों पैकेट दिखाओ। अंडा नहीं खरीदे क्या? नहीं खरीदा, लेकिन क्यों? अरे नाग लक्ष्मी को दूध के साथ अंडे नहीं खिलाओगे क्या? अरे तुमने समझा नहीं। रुको रुको, या तो तुम पागल हो या फिर मैं। ये पेंटिंग के बीच में सांप कहां से घुस गया? मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है क्या? निकलो यहां से, नहीं तो क्लच तोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, गलत समझ रहे हो तुम। एडवांस देकर घर लिया है, अंदर जाना है तो इसलिए। अगर तो मुझसे क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, अगर तुम अपना ये कैरम बोर्ड थोड़ा सा उधार कर के हटाऊं। वो क्या है ना कि मुझे ताला खोलना है। अच्छा, मालिक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ राजा। क्या करते हो चाचा, पहले क्यों नहीं बताया? वहाँ खड़ा होकर तमाशा देख रहे हो? क्या करता बेटा, खेल रुकवा देता तो पिटा जाता। चलो बोर्ड हटाओ। अरे लगता है उड़ गई चिड़िया, चिड़िया का घोंसला। काफी मेहनत से बनाया है उसने, डर के मारे उड़ गई बेचारी। ये घर खाली था ना, आप अंदर जाइए, इसे मैं संभाल लूंगा, इसे कहीं ना कहीं तो रखी दूंगा। यमराज, मैं पार्किंग एरिया में हूँ, तुम कहाँ हो? मैं भी यही हूँ। शिकार का पता तो है ना? TN01T551। देखो, मेरे पार्टी के हाई कमान ने यह फैसला लिया है कि उसे मेरे सीट से खड़ा करेंगे। अगर उसे सीट मिल गई तो सारा राज खुल जाएगा। मिनिस्टर बना रहना जरूरी है। घोटाला करने के लिए उसकी कुर्बानी चाहिए। कुर्बानी तो होगी, या तो मेरी हो या फिर उसकी। तो फिर उसी को कुर्बान कर दो। मैं तो उसको खत्म कर दूंगा, लेकिन कमिश्नर को कौन संभालेगा? तुम्हारे लिए बड़ी बात। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो, किससे बात करनी है? बात नहीं करनी है, सलाह देनी है तुम्हें। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फौरन गांव निकल जाओ। कौन है तू? यमराज। यमराज कौन बे? नाटक कंपनी में काम करता है क्या? अगर तुमने नाटक किया तो तुम्हें नरक में भेज दूंगा। मौत का बिजनेस है मेरा। इस बार सरकार में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, इसीलिए तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। अबे ओ, तुझे खबर है मैं कौन हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अपनी पार्टी से सीट के लिए मना कर दो। अगर इनकार नहीं किया तो? भगवान बुद्धि दे तुम्हें। उम्मीदवार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कॉफी लीजिए। अरे अखबार पढ़ने दो ना मुझे, ठंडी हो जाएगी जी। अरे लक्ष्मी, अखबार पढ़ने के बाद पीता हूँ ना। पहले कॉफी। ओहो, जला दिया। अरे चीख क्यों रहे हो? क्या? अरे मैंने कब चीखा? कोई मुझे चाय तक के लिए नहीं पूछता। अंदर नौटंकी चल रही है। कॉफी पीकर अखबार पढ़ लीजिए ना। मैं कहा कहते हैं शादी, पतंग का पीला मांझा गले में बांध दिया और हो गई शादी। बाद में लफड़ा लफड़ा यार, शादी के बाद हमेशा ऐसे ही होता है। तुम खेल रहे हो यार, कहां इन सब चक्कर में पड़े हो? ठीक है, अरे सुनिए ना, छोड़ो ना, छोड़ो मेरी जान। में घर में ऐसा बवाल हो जाता है। ए आर्टिस्ट, बात नहीं बनी क्या? हाथ जला दिया उसने मेरा, हद कर दिया उसने। देख रहे हो तुम लोग, टीवी की शिकायत मुझसे कर रहा है। अरे कल रात इस इलाके में बिजली चली गई थी, लेकिन इसके घर में पूरी रोशनी थी। कई रोज से फिराक में था कि कब खिड़की खुली मिले। और प्लीज नहीं, अंदर जाओ। जाओ।
अरे बाप रे, सॉलिड केमिस्ट्री है दोनों में। ए खजूर, बकवास बनकर अपनी। ए, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? ये रोज रोज का झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ए आर्टिस्ट, जाओ यार, तुम्हारी ये नाग लक्ष्मी जहरीली हो गई ना तो तुम तो खल्लास। उन्होंने कैरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तुम खामोशी से देख रहे हो। अरे जाओ, उनकी बैंड बजा दो, जाओ। अरे जाओ जाओ। अरे क्या बे, तू हीरो है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहाँ हीरो, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। चल बहुत हो गया, अब निकल यहाँ से। तू दफा तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पैसे कौन देगा? क्या कहा, पैसा? मजाक कर रहा है क्या? छी छी, मैं जोकर के साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ? जिसे मारना है मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कैरम बोर्ड तोड़ दिया वो 1500 का था। बोरिक पाउडर 25 रुपए, स्ट्राइकर 150 रुपए, गोटी 300 रुपए, भंगार वाली बाइक का साइलेंसर, 8-10 पैनर, एक स्क्रू ड्राइवर, सबका मिलाकर जोड़ा जाए तो कुल होते हैं 3500 रुपए। बस इतने पैसे दे दो और इसे ले जाओ। लाइव कत्ल देखे हुए जमाना हो गया। ये कोई पान बीड़ी की दुकान नहीं है। ए, फैसला करना है तो समझा। तू यमराज को जानता है ना? ये कौन है? माचिस देने यहाँ आएगा या बाजार में माचिस बेचता है? दुकान छोड़कर वो मेरा सिगरेट जलाने क्यों आएगा भाई? भाई क्या सुन रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? मारो इसको। बोल मन, करके दिखा। Thank you.
क्या समझ रखा है खुद को हा? भाई मैं ही यमराज हूँ, समझ गया ना, चल निकाल पैसे, ये लो पैसे। अबे शराफत से पहले पैसे दे दिए होते ना तो तुम लोगों के अस्पताल का खर्च बच जाता। दफा हो जाए यहाँ से। सर मैं जानता हूँ इस कत्ल के पीछे उस यमराज का ही हाथ है। शहर में जितने काले धंधे और गलत काम होते हैं ये वही करवाता है। मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत है सर। उसके बारे में और क्या क्या जानते हो तुम? एक बात आपको और बता देता हूँ, उसका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन भी है सर। वो पिछले हफ्ते ही दुबई गया था, उसके पासपोर्ट और वीजा की सारी डिटेल मेरे पास है। ये देखिए, उसे सजा दिलवाने के लिए इतना सबूत काफी है। इन सारी बातों का खुलासा पब्लिक के सामने फौरन करना होगा। मीडिया वाला होने के नाते मेरा ये फर्ज है। इस नाते आज न्यूज में यही बात होगी। ये आसान नहीं होगा सर, क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है। जो भी हो मैं ये करूंगा सर, वो भी आज ही। ओके सर। नमस्कार। जो हमारे मुल्क में राजनेताओं की किस्मत तय करता है, जो मौत का फैसला सुनाता है और जिसने शहर को नशा और गुंडों का गुलाम बना रखा है, आज उस इंसान को पहचाने। यमराज ऑन ऑन ऑन, सभी कैमरे चालू रखो, टेलीकास्ट बंद मत करो, भगवान बुद्धि दे इसे। मैं हूं यमराज, ये जिसकी तारीफ कर रहा है वो मैं ही हूं। रिकॉर्ड करो, उन्हें पता तो चले कि वो डॉन कौन है। वो मैं हूं, पॉलिटिशियन, पुलिस, बदमाश, चकला, बिजनेस, ये सब के सब सिर्फ मेरे इशारे पर चलते हैं, मेरे इशारे पर। क्यों, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ चलो दिखाओ, जो भी मैंने कहा उसे दिखाओ। हिम्मत है तो टेलीकास्ट करो। अगर इस न्यूज को तुम लोगों ने टेलीकास्ट किया तो इसके खत्म होने से पहले तुम्हारे चैनल के तबाह होने की खबर बाकी सारे चैनल्स पे होंगी। चलो दिखाओ, दिखाओ। नहीं, ये खबर टेलीकास्ट नहीं होगी। यही यही चाहता है यमराज। जो भी यमराज से टकराता है, चाहे वो कोई भी हो, मिट्टी में मिल जाता है। जो चैनल के कैमरा के सामने मुझे धमकी दे रहा है, ये वो नहीं बोल रहा, उसके पीछे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है। मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है? पैसे की बात मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ। अरे यार ये पीते कम है और उड़ाते बहुत ज्यादा है। अरे हम लोग हैं जो ऐसे मौके पे पीने के लिए तरस जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर हम उनके घर के कुत्ते होते तो इन्हीं की तरह मुंह से उड़ाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है यार तू। अरे यार जाना। नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है यार। वो देख, फैमिली को देखकर रॉबर्ट डर गया। हमारी लड़की बहुत ही संस्कारी है। बिल्कुल, लड़कों की तरफ तो नजर उठा के नहीं देखती। नहीं यार हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों खरीदी तुमने? जाओ दो से। अच्छा ठीक है। इसकी शादी जिस लड़के से होगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। अरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लेकिन आपको कैसे मालूम? एक तो बदतमीजी कर रहा है, ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। गंवार लोग हैं। सीधी सादी लड़की देखी नहीं कि चिढ़ना शुरू कर दिया। अरे हमारी इतनी सीधी सादी लड़की को ये आवारा लड़के खराब कर रहे हैं, इसमें आखिर हमारी लड़कियों का क्या कसूर है? हाँ तुम घूर क्यों रहे हो? ये बहुत छोटी है अभी, इसे घूरते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे घर वालों को तुम पर बहुत यकीन है, उनके गुस्से को देखकर मुझे एहसास हुआ, वो तुम्हें प्यार करते हैं। यकीन तोड़ना मत उनका, हर किसी के नसीब में फैमिली नहीं होती है। मेरी लड़की को बोलने वाले तुम कौन होते हो? आंटी ने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और तुमने कुछ कहा था? भगवान करे इसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाए। चलो अरे ये लाइट कैसे चली गई? भगवान ने उनकी सुन ली, उनके श्राप देते ही लाइट चली गई।
भगवान हमारे क्यों नहीं सुनते यार? ऐसे क्या देख रहे हैं? खुश रहिए, मस्त रहिए, सबके साथ अच्छा होगा। नए साल के पहले मिनट में मैं तुम्हें मिली हूँ, इसी बात पर चॉकलेट खाओ। एक मिनट, तुमने कहा कि अच्छा होगा, लेकिन किसके साथ? हमारे साथ, मतलब मैं और तुम? हाँ, तुम्हारे, मेरे और बाकी सभी लोगों के साथ। सॉरी, मैंने गलत फहमी में तुम्हें डांट दिया। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं? खुश रहिए, मस्त रहिए, सबके साथ अच्छा होगा। कौन थी वो लड़की? उसने आके कहा और उस आदमी ने तुमसे सॉरी कह दिया? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। अरे राजा, कैसे हो? अरे आइए अंकल। नहीं नहीं, ठीक हूँ। आज कैसे आना हुआ? बैठो बैठो। किराया तो कल भिजवा दिया था। अरे उसके लिए नहीं आया, मई के महीने में बिटिया की शादी है ना। क्या, हमारी निम्मो की? हाँ। फिक्र मत कीजिए, शादी धूमधाम से होगी। मालिक की बेटी की शादी है, जमकर धमाल होगी। धमाल कैसे मचाओगे? उसके लिए पैसे चाहिए ना, ना तो कोई जायदाद है, ना बैंक बैलेंस, बस ले देकर यही एक जगह है। अगर इसे बेचूंगा तो 2 लाख मिल जाएंगे, लेकिन तुम लोग यहाँ रहते हो तो तुम्हें खाली करने के लिए कैसे कह सकता हूँ? ऐसे क्या देख रहे हैं? खुश रहिए, मस्त रहिए, सबके साथ अच्छा होगा। तुमने कहा था कि अच्छा होगा, यहाँ तो साल के पहले दिन ही रास्ते पर आ रहा हूँ। अब उधर क्या देख रहे हो? एक काम करो, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, मुझे 1.5 लाख दे दो तो दुकान तुम्हारे नाम। कितना दे दूं? 1.5 लाख रुपए? पागल समझ रहे हो क्या? ख्वाब में भी इतनी रकम नहीं देखी कभी। जाओ किसी और से बात करो। ये क्या कह रहे हैं? अरे जाओ ना चाचा, तुम्हारे भले के लिए क्या रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये अचानक इसे क्या हो गया? अब बेटी की शादी के लिए तो उसे करना ही पड़ेगा। यहाँ दीवार की हर ईंट से कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी। इस पर तो सिगरेट ना झाड़ो यार। इस बाइक के कितने पैसे मिल जाएंगे? बाइक बेचना चाहता है? खरीदने वाला बुढ़ा हो जाएगा लेकिन इसे चला नहीं पाएगा। है? ये हवाई जहाज है, इसे चलाना किसी के बूते की बात नहीं है। आरसी बुक है इसकी? हाँ वो तो है। गिरवी रख दो, 75,000 मिल जाएगा, बाकी का हम लोग संभालेंगे। ये संभालेगा, अंबानी के खानदान से है ना ये भाई, और ये विजय माल्या का भतीजा, इसे तो छोड़ ही दो, शायद टाटा इसके मामा होंगे। फालतू की बातें हैं ये सब। जज्बाती ना हो, ये सोना तोहफे में नहीं दे रहा हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, पैसे आएंगे तो लौटा देना, वैसे भी हम लोग सोना खरीदते हैं बुरे वक्त में काम आने के लिए। तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हें कैसे पता चला? कल तक रास्ते की धूल था और आज मालिक हूँ। अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो। राजा, हाँ, तुम्हारी गाड़ी कल तक ठीक हो जाएगी। गाड़ी के लिए नहीं, इधर आओ। क्या हुआ आर्टिस्ट, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम मेरे घर पर इन सब के साथ खाने पर आ जाओ। हमें बुला रहे हो? आज लक्ष्मी की सालगिरह है, हम पूजा करके आए तो सोचा कि परिवार के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम किसी को जानते नहीं है ना, तो हमने सोचा अपनी खुशी में तुम लोगों को शामिल कर लूं। आओगे ना तुम लोग? तुम भी ना। अरे ये लोग तो अपने घर में खाना खा लेते हैं, लेकिन मेरे नसीब में ये घर का खाना नहीं है। जाओ लक्ष्मी को बोल दो मैं नहीं आऊंगा। साथ में खाइए ना भैया। क्या कहा तुमने?
मैंने कहा कि साथ में खाइए ना। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा? राजा, इसने कहा कि हम लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नहीं 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 नहीं, उसके बाद क्या कहा तुमने? साथ में खाइए ना भैया। पानी साफ तो है ना? गरम है, थोड़ा सा और दो ना। तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा क्या हुआ जब त्योहार आता है तो टिफिन बॉक्स में सब लोग मिठाई, खीर और बहुत कुछ मेरे लिए घर से जरूर लेकर आते हैं, लेकिन किसी ने घर पर नहीं बुलाया। ये तू क्या बोल रहा है यार? इसमें इतना बुरा मत मानो यार, ना तुम लोगों ने कभी बुलाया और ना ही मैंने कभी उम्मीद की। तुम लोगों को नहीं मालूम, जिंदगी में पहली बार मैं घर में बैठकर खाना खा रहा हूं। थैंक्स आर्टिस्ट। ये किसी और का घर नहीं है, तुम्हारा ही है। अच्छा, अगर तुम्हारा बड़ा भाई होता तो क्या उसके साथ नहीं खाते? ऐसे क्या देख रहे हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, सबके साथ अच्छा होगा। आर्टिस्ट, एक बात पूछूं, तुम्हारी लव मैरिज है ना? हमारे बीच में लव हुआ था क्या? झूठ मत बोलो लक्ष्मी, लव तो हुआ ही होगा। सच में राजा, शादी से पहले मैं इनसे कभी नहीं मिली थी। सही में क्या? सही में, मैं तो कस्बे में रहता था और ये कहीं एक गांव में रहती थी। पता नहीं कैसे इनका मेरे लिए रिश्ता आ गया। अब मेरे दिमाग में अपनी बीवी की एक तस्वीर तो थी ही, मैं बस इसको देखने चला गया और देखते ही फंस गया। अच्छा। जब मैं गांधीनगर वाले इनके घर में बैठा था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह इनके घर में अंधेरा छाया था। बाकी अंधेरे में भी एक ही चीज चमक रही थी, वो था इनका चेहरा। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि यही है, ये मेरे लिए बनी है। दूसरी लड़कियों से मिलने पर मुझे कभी भी वो फीलिंग नहीं आई जो इन्हें देखकर हुई। अब ये प्यार था, यकीन था या दिल की आवाज, मुझे अभी तक पता नहीं चला। बाकी था लाजवाब। अच्छा लक्ष्मी, तुम बताओ तुम्हें भी ऐसा ही लगा था? मालूम नहीं, पहले मुझे ऐसा नहीं लगा, पर जब ये दरवाजे तक पहुंचे और इन्होंने मुड़कर मुझे देखा तो मेरे दिल में आया कि इनके साथ मैं पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। ऐसा ही होता है और हुआ भी। अपनी बीवी से हो सकता है, फूल खरीदते वक्त हो सकता है, पार्क में, बीच पर, बस में, रास्ते में, मंदिर में, कहीं पर भी हो सकता है। बस जरूरी यह है कि उसके लिए एहसास हो। मैं उसे घर में लाना चाहूंगा और वो चाहेगी कि कहीं कहीं दूर चला जाए। मुझे तो एहसास हो रहा है, पर तुम्हें हो रहा है या नहीं? हाँ, पहचाना मुझे? क्या तुम्हारे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा है? हो कौन तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भूल गई तुम,
मैं वही हूँ नए साल पर जिसे चॉकलेट दिया था। उस रोज के बाद सब कुछ अच्छा हो गया है, जिंदगी बेहतरीन हो गई है। अरे हाँ, कल आर्टिस्ट कह रहा था कि जिससे मिलकर दिल में घंटी बज जाए उसे प्यार कहते हैं, पर तुमसे मिलकर तो दिल में घंटा बज गया है और तुम मेरे अंदर दाखिल हो गई हो। तो फिर चलो मैं तुम्हें आई लव यू बोलता हूँ। आती हो क्या खंडाला? पहले ये बताओ तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? नाम राजा राजकुमार, इलाका भिंडी बाजार, काम बाइक मैकेनिक, और कमाई इतनी कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे सकता हूँ। और क्या रह गया? हाँ, मुझे खाज खुजली जैसी कोई बीमारी नहीं है। जितना मालूम था उतना बता दिया, अब मैं चलता हूँ। रुको, क्या हुआ? ये कोई मजाक है क्या? नहीं तो? तुम मुझे जानते हो? जानते हो मेरे पिताजी कौन है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानते हो? मेरा स्टेटस जानते हो क्या? कम से कम मेरी पसंद तो पता ही होगी। अंकल, लगता है बल्ब फ्यूज है, अनजान बन रही है, भूल गई है। सबको अंधा करके बिठा दिया है आपने यहाँ। लगता है सब पागल है यहाँ पर। मैं तो सबको भला चंगा समझ बैठा था, लेकिन यहाँ तो आंख का अंधा और नाम नैन सुख की तरह निकम्मे लोग हैं। पर तुम तो नॉर्मल थी, तुम इन पागलों के बीच में कैसे फंस गई? पागल? कौन कौन पागल है, तुम या वो? चीख क्यों रही हो? संभालता हूँ ना मैं। भाई लोग, उठने से पहले दवाई लीजिए, कच्चा नींबू काट कर निचोड़िए और सर के सब ठीक हो जाएगा। राजा, तुम यहां से निकल लो, नहीं तो ज्यादा देर रुके तो पागल हो जाओगे। क्या बेकार का शॉट मार रहा है? मेरा तो भेजा ही शॉट हो गया है। ए, तुम भी तो प्यार करते हो ना, ये बताओ कि पहली बार तुमने अपने प्यार का इजहार कैसे किया था? क्यों नहीं, ऐसे ही बताता हूं। मैंने पीले रंग का गुलाब उसके हाथ में पकड़ा दिया था। अरे फिल्मी मत बनो, सबकी शुरुआत आखिर ये फूल से ही क्यों होती है? क्या लड़कियां कभी फूल नहीं देखती हैं क्या? अरे प्यार ताजमहल की तरह होता है, लव के लिए कुछ भी करता है। अरे तुम नहीं जानते हो, मैं उसके लिए जान भी दे दूं। मुगले आजम देखिए ना, दिलीप साहब ने क्या प्यार किया है, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये फटे बांस की तरह मत गाओ यार, ये लव में हमेशा कुर्बानी, मौत, दर्द, यही सब क्यों जुड़ा होता है? क्या यही प्यार है? खुश नहीं रहा जाता है क्या? तुमने कभी किसी को पटाया नहीं है क्या? क्या यार, मेरी तरफ कौन सी लड़की दिखेगी? तू भी ना यार। क्यों राजा, लव पर पीएचडी कर रहे हो क्या? बात यह है आर्टिस्ट, देखो अगर कोई तुम्हें आई लव यू बोल दे तो तुम भी उसे आई लव यू बोलोगे ना? लेकिन वो तो भड़क गई। अरे तो अंग्रेजी क्यों बोला? वो भड़कने वाली कौन थी? अरे वही लड़की। अरे ये लोग पहचानते हैं उसको, नए साल की रात जिसने मुझे चॉकलेट दी थी। हाँ दिया था, तो क्या हो गया? अरे मैंने उसको आई लव यू कहा तो वो मुझे डांटने लगी। कब? आज सुबह। कहाँ? अरे वहीं पर जहाँ पर सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उसमें से एक तो दाढ़ी वाला भी था। दाढ़ी वाली? किसकी प्रार्थना कर रहे थे? चुप रहो। देखो आर्टिस्ट, तुमने कहा था कि एक लड़की को देखकर तुम्हें फीलिंग हुई थी, तो मुझे भी लगा, वहां गया और कह दिया। इस बात पर वो मुझे मरने, मारने और डरने की बात समझा रहे हैं। ये आर्टिस्ट, मैं भी तो तुम्हारी तरह जी सकता हूँ ना। क्यों बे, तूने हम लोगों से क्यों नहीं पूछा? अगर पूछा होता तो हम आइडिया देते कि उससे कैसी बात करनी है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं बनी। तुम है मुझे तरीका सिखाओगे? अरे तुम्हारा तो कुछ हुआ भी नहीं है। अरे तुम लोगों का वही घिसा पिटा आइडिया है, गली के नुक्कड़ पर खड़े हो जाओ, एक लव लेटर लेकर जाओ और वहाँ उसका इंतजार करो और मौका मिलते ही उसे पकड़ा दो। आइडिया में कुछ दम होना चाहिए यार। जो दिल में आए करो। क्या यार, मुझे मालूम होता तो मैं पूछता क्या। अगर प्यार का इजहार नहीं कर पाया ना तो प्यार करना ही बेकार है। राजा, सीधे उसी से कह दिया क्या? हाँ। तब तो उसकी नींद उड़ गई होगी। उसे श्राप क्यों दे रही हो? नहीं, मैं क्यों श्राप दूंगी, तुमने ही तो ऐसा किया है। क्या, मैंने क्या किया? आज रात वो सोएगी नहीं। क्यों? तुमने उससे कहा कि तुम उससे प्यार करते हो, जब कोई लड़का किसी लड़की से ऐसे बात करता है तो वो पूरी रात सोचने लगती है। अब सोचने से क्या फायदा, प्यार करने से पहले सोचना था। प्यार भी कैरम बोर्ड की तरह ही है, रानी मिस हुई तो गई काम से। प्यार है ये प्यार। आजा मेरी जाने मन तेरे।
तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू कब आएगी मेरे नैनों को ठंडक देगी मेरी जान तेरे प्यार में। ए, सुनो, नींद नहीं आ रही है क्या? आधी रात को तुम मेरी बालकनी में क्या कर रहे हो? आसमान के तारे गिन रहा हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? प्यार ऐसा ही होता है ना, ये लक्ष्मी ने बताया, इसलिए तुम रात में जग रही हो। सो जाओ, कल तुम्हें बहुत काम करने हैं। जब फ्रेश रहोगी तभी तो कल आकर मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगी। कल मैं तुमसे प्यार का इजहार करूंगी? तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तो खुद के बारे में कुछ नहीं जानता, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें जानने के बाद ही खुद को जानना शुरू कर दिया है। ऐसा ही होता है, जाओ सो जाओ। मेरे पापा को पता चला तो वो मुझे मार देंगे तुम्हारी वजह से। मार देंगे? ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। हद हो गई। तुम खुद को कारोबारी कहते हो, घोड़े बेचकर 8 बजे तक सो रहे हो, और तुम्हारी लड़की पूरी रात जगी हुई है। रात को ज्यादा पी ली थी क्या? कौन हो तुम? मेरी जन्म कुंडली जानकर तुम क्या करोगे? ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम अपनी बेटी को मारोगे? मैं उसे क्यों मारूंगा? वही तो, क्यों मारोगे? उसी ने बताया, वो बहुत ही डरी हुई है, वो पढ़ नहीं पाई, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसके कमरे में उसे सुलाने गया था। श्वेता! अरे उसे क्यों बुला रहे हो यार? तुम? अरे तुम घबराओ मत, मैंने इनको बता दिया है कि गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी, अब ये तुम्हें ना मारेंगे ना कुछ कहेंगे, ठीक है ना अंकल? Who is he? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्यों, मस्त है ना? ये क्या बकरा है? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है? आज ठीक से सो जाना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अंकल कभी गाड़ी खराब हो ना तो मेरे गैरेज में कमिंग, ओके, सी मी, बाय। कौन है ये? अंदर कैसे आ गया और क्या बकवास कर रहा था? मुझे भी नहीं मालूम, नए साल पर विश कर दिया था, तब से मेरे पीछे पड़ गया है। तुम्हें वाकई नहीं मालूम? आपकी कसम पापा। ठीक है, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं, आपके पास पहले ही ढेर सारा काम है, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, मैं संभाल लूंगी। बट बी केयरफुल। यहाँ राजा कौन है? ए चचा, यहाँ राजा कौन है? कहाँ रहता है वो? बताओ ना। मुझे नहीं पता। अरे बोलेगा या नहीं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अरे मुझे नहीं पता, छोड़ दो मुझे। बोल। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। बता रहा है कौन है राजा, बोल। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, जाने दो मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। वो रहा वो लड़का। ये मेरा जाती मामला है, तुम लोग पीछे हट जाओ। समझ में आया कि मैं कौन हूं? दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना।
अरे तुमने मारा क्यों नहीं उन लोगों को? अरे नहीं, अगर मैं चाहता ना तो चुटकियों में सबको साफ कर देता, लेकिन जब मैं पिट रहा था ना तो वो एक बच्ची की तरह कितने प्यार से चॉकलेट खा रही थी, वो कैसे देख पाता? क्यों लक्ष्मी? कौन थी वो? मेरा प्यार। Excuse me, क्लासिक देना जरा। तुम सिगरेट भी पीती हो? मुझे लगा तुम कॉलेज में पढ़ती हो, पर तुम तो दर्जी हो। टीचर, ये सिगरेट मांग रही है, फिल्टर वाली दे दूं क्या? हेलो, तुम कौन हो? मैं राजा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं, इसे सिगरेट चाहिए। हेलो मिस्टर, क्लासिक एक कैंची का ब्रांड है। अच्छा, कैंची का नाम क्लासिक है, मैंने बिल्कुल गलत समझा। फिक्र की कोई बात नहीं है, अब तुम काम करो। तुम क्या इसके बॉडीगार्ड हो जो इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अरे उस बाहर खड़े कंपाउंडर को 50 रुपए दे दिए। कंपाउंडर? जो बाहर सफेद कपड़ों में घूम रहा है ना, वही। इसने मुझे बहुत पिटवाया, मुझे लगा ये बहुत ही दुखी होगी, लेकिन नहीं, ये तो खुश है। क्या था है? क्या टारजान, कल तुम्हारा वक्त अच्छा था, तुम बच गए क्योंकि ये मेरी पिटाई से खुश थी, नहीं तो मैं तुम्हें यही सुई घुसेड़ देता। कल तो ऐसे एंट्री मारी थी जैसे अमिताभ के बाद तुम ही हो। जाओ, जाकर ब्लाउज में टाका मारो। ये सब क्या चल रहा है? I'm so sorry, madam. ए चश्मेश, क्यों डांट रही हो? तुम यही सिखाती हो क्या? कपड़े को काट काट कर इतना छोटा कर दो कि लड़कियों का सब कुछ दिखाई दे। तुम टीचर हो या चिंदी चोर? अब एक काम करो, तुम यहाँ से कपड़ों की चिंदी जमा करो और बाहर ले जाकर भेज दो। hey, चलो बाहर निकलो। 50 रुपए दिए है ना, चल बाहर जा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से जाओ। अरे इसके लिए तुम हाथ मत जोड़ो, जा रहा हूँ ना मैं। टीचर बाय। Excuse me, मिस्टर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा अच्छा, माय नेम इज राजा। इतनी गर्मी में गर्म कोट पहनोगे अंकल तो पिघल जाओगे। देखो वो अब तक नहीं गया, यहीं खड़ा है। मालूम है, बस चुपचाप चलो। चुपचाप चलते रहो। ऐसे फुदक क्यों रहे हो? कबूतर जो हूँ। क्या कहा? लव लेटर लाया हूँ। तुम कबूतर बनके लव लेटर लाए हो? क्या चाहते हो, पढ़कर अभी जवाब दूं? बाद में दे देना। रुको रुको रुको, खेल यहीं खत्म कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जरा यहाँ ध्यान दो, साहब जी ने अभी अभी मुझे एक लव लेटर दिया है। मैंने अकेले पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये लेटर मैं आप सबके सामने पढ़ूं। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। माय डियर टावर। क्या टावर? क्या है ना, अंग्रेजी में लिखा है और इसलिए गलती से टी लिख दिया। माय डियर टावर, ये हमारी लव का क्रीम है। ऐसा है कि तुमसे मिलकर मेरा गियर जाम हो गया है। जब भी गाड़ी में मैं किक मारता हूँ, मेरा गियर बॉक्स टूट जाता है। श्वेता, इससे कहो दूसरा लगा ले। अब तो तुम्हें ही चेस करना बन गई है मेरी पूरी लाइफ। पता नहीं कब बनोगी वाइफ। अपने हार्ट में तुम्हारा टेम्पो बनाकर पूजा करूंगा। हार्ट में टेम्पो? टेम्पो नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक, टेम्पल टेम्पल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हें अपना परमानेंट वाइफ बनाना चाहता हूँ। ए ए, परमानेंट या प्रेग्नेंट? ठीक से पढ़ो, 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 ठीक से। तुम मेरी जिंदगी में पड़ने वाली एक इंजन ऑयल हो, जिसके बगैर मेरी जिंदगी खटारा है। ये लव लेटर है या किसी मैकेनिक का बिल? ढंग से एक लव लेटर तो लिख नहीं सकते और चले हो मुझसे प्यार करने। हाँ, ये लव लेटर इन लोगों की दिल लगी के लिए नहीं था, तुम्हारे लिए था। तुम इसमें चाहे जितनी गलती निकाल लो, लेकिन मेरी बात सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंच गई है। सही बोला ना, अगर कवि को खत लिखना आता तो कालिदास से लेकर गुलजार तक लड़कियां सिर्फ उन्हीं से पटती, बाकी लोग तो घर में बैठकर ताली बजाते। प्यार में जरूरी है मेरी कूलिंग तुम तक पहुंचे और तुम्हारी कूलिंग मुझ तक आ जाए, बस और कुछ नहीं। बात खत्म। ये तो अपने हीरो की हीरोइन है। राजा, राजा। क्या है? वो दीदी आई है। किसकी दीदी? अरे वही जो उस रोज आई थी ना, गुंडों की बहन।
आज क्या इरादा है? राजा को अपनी नजरों की तीर से जख्मी करने आई हो क्या? नहीं, कहाँ है वो? इधर हूँ। तुम हमारे इलाके में आई हो, कॉफी मंगाऊ या मसाला दूध लोगी? अरे सुनिए ना, उस रोज जो लड़की आई थी ना, यही थी। एक चाय मलाई मार के। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जाओ ना। नहीं आर्टिस्ट, इसे सबके सामने बोलने दो। बोलो बोलो। ए, चलो। ए, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये तुमसे बात करने आई है तो तुम करो ना। अरे रुको ना, जब मैंने इसके बारे में तुम लोगों को नहीं बताया था तब तुम लोगों को बुरा लगा था, सामने आ गई तो भगा रहे हो। रुको, कहो। तुम्हारे दिल में आई लव यू का गुब्बारा फूटता है ना? मैं एक अमीर खानदान की लड़की हूँ। हाँ वो तो है। और तुम एक बाइक के मैकेनिक हो। अरे वो सब छोड़ो, तुम अमीर हो मैं मैकेनिक हूँ, ये बात तो सभी जानते हैं। तुम दिल की बात कहो ना। मेरा रहन सहन अलग है, तुम्हारा अलग है। मुद्दे पर आओ ना। दरअसल बात यह है कि एक मिनट, मेरी जैसी कूलिंग है वैसी तुम्हारी भी है, यही बात करनी है? नहीं लेकिन। नहीं लेकिन, नहीं लेकिन, नहीं लेकिन, नहीं लेकिन। मैं तुमसे नहीं लेकिन नहीं सुनना चाहता। जब मैंने आई लव यू कहा तब तुमने मुझे डांटा, घर से भगा दिया, यहाँ पर पिटवाया, कॉलेज में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। जब इससे भी मेरा पीछा नहीं छूटा तो बातचीत से सुलझाने आई हो। देखो मैं तुमसे वाकई प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन एक दिन तुम्हारा दिल तुमसे बगावत जरूर करेगा और तुम्हें समझाएगा कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन ये कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि यू नेवर डाई फॉर मी। चलो अब जाओ यहाँ से। भाई चारा घोटाले का क्या हुआ? हेड से जाकर पूछो। वो मीनार टेढ़ा क्यों है? जिसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो इंसान ही टेढ़ा था, समझ गए? तुम्हारी घड़ी में क्या वक्त हुआ है? क्या वक्त हुआ है? 8:30 बज गया। मैंने तो वक्त नहीं पूछा। अरे बाप रे, वक्त मैंने पूछा था। लगता है मेरा बुरा वक्त आ गया है, मैं गटर में गिर गया हूँ, बचाओ मुझे। Excuse me, आप गटर में क्या ढूंढ रहे हैं? मैं 212 नंबर बस का इंतजार कर रहा हूँ। अरे पागल नजर नहीं आ रहा है क्या? ये BMC वाले गटर का ढक्कन खोल कर रखते हैं और मेरे जैसे ढक्कन इसमें गिर जाते हैं। अबे हाथ दो और निकालो। अच्छा, मुझे इंटरव्यू में जाना है और सारा कपड़ा खराब हो गया है। किस कंपनी में? ABC प्राइवेट लिमिटेड। किस पोस्ट के लिए? असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। अरे लाल कमीज वाले, मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया तुमने? उसी कंपनी में उसी ओहदे के लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसी गटर में रहिए और आराम से खुशबू लीजिए। पर तब तक तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा मेरे भाई। मेरे लिए तो यही बेहतर। अच्छा वैसे तुम इंटरव्यू के लिए तैयार हो ना? जी बिल्कुल। तो चलो कौन बनेगा मैनेजर खेलते हैं। हाँ? मैं सवाल पूछूं क्या? हाँ, क्यों नहीं? तुम अपने बाप की औलाद हो या नहीं ये बताओ। हाँ? सॉरी सॉरी, ये मुश्किल सवाल था, मैं आसान सवाल पूछता हूँ। 1+1 कितना होता है? तुम सांड साबित हो सकते हो। तो बड़ा लाल कपड़ा देख के सांड भड़क भी सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, माफ कर दो मुझे, ऐसा मत करो। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ चली गई। बेवकूफ। तो आखिर तुमने उससे क्या कहा? पागल है वो, मेरे प्यार ना करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे प्यार करता है और करता रहेगा। फिर उसने तुमसे क्या कहा? उसका कहना है कि एक दिन मैं उसके प्यार में दीवानी हो जाऊंगी। तो इनकार क्यों कर रही हो? प्यार कर लो ना उससे। क्या उस जाहिल से प्यार करूं? सच में थोड़ी ना करना है। तुम्हारा मतलब? एक काम करो, तुम पहले उससे आई लव यू कह दो, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन तो देखो। सॉरी मैंने आने में देर कर दी। कोई बात नहीं, इंतजार में ही मजा है। उस दिन तुम मुझसे नाराज हो गए थे ना, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है, तो मैंने तय कर लिया कि मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए। I love you। ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ झूठ झूठ, ऐसा नहीं। चुप। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इन आंखों में प्यार नहीं है, फरेब है। हर बार झूठ बोलती हैं ये आंखें। किसी दोस्त ने कहा है ना, ताकि मैं तुम हिलाता फिरूं। हाँ, प्यार दिमाग से नहीं किया जाता, दिल से किया जाता है। अगर तुम किसी से प्यार नहीं करती तो उसके मुंह पर कहो, चलेगा, लेकिन झूठ नहीं, झूठ नहीं।
अपनी ये प्यार की नौटंकी दिखाकर कम से कम प्यार को बदनाम तो ना करो, दिल टूट जाता है मेरा। ए, तुम्हें नहीं मालूम तुम मेरे लिए क्या हो? मेरी देवी हो तुम, तुम्हारी पूजा करता हूं मैं, लेकिन तुम नहीं समझोगी। मुझसे कहना था ना कि मैं टपोरी तुम्हारे काबिल नहीं हूं, लेकिन झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें मालूम है मैंने तुमसे प्यार क्यों किया? क्योंकि तुम सच्ची थी, तुम उस वक्त सच्ची थी जब मुझे भगाया, बेइज्जत किया, पिटवाया, जो करना था वो सब कुछ किया, लेकिन अब मैंने तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती की, कभी टॉर्चर किया तुम्हें? बागीचे का फूल देकर प्यार जताना मुझे नहीं आता है, बड़े गिफ्ट को रिबन से बांध कर प्यार जताना भी मुझे नहीं आता, दुकान से कार्ड लाकर नाम लिख कर दे दिया ये भी नहीं आता, मैं बस ऐसा ही हूं। समझ में आया? इस इलाके का असर है, लोहा और स्टील की तरह सख्त हूं मैं। जब तुम मेरे प्यार को समझोगी तब ऐसे नहीं बोलोगी आई लव यू, उस समय तुम्हारे ये होंठ नहीं बोलेंगे, वो इसलिए कि जो दर्द तुमने दिया है वो दर्द तुम भी महसूस करोगी। जब तुम मेरे प्यार को महसूस करोगी तो बोलोगी नहीं, बस रोती रहोगी, और तुम्हारी आंखों से निकलने वाले इन मोतियों को जमीन पर गिरने से पहले मैं उन्हें थाम लूंगा, तुम्हारे सर की कसम। आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। अरे बस बस बस, यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। अरे कृष्णा, ऑटो से आ रहे हो? बाइक कहाँ है? राजा कहाँ है? राजा, क्या हुआ? घबराया लग रहा है, क्या हुआ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उमा की आज शादी हो रही है। ऐसे कैसे? उमा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ वो तो। अरे साहब, रिक्शा खाली करो और मेरा भाड़ा दो, धंधे का टाइम है, काय को खोड़ी करता है? चल रहा हूँ, थोड़ी देर रुको ना, जल्दी करो भाई। ऑटो में ऐसा क्या है, इतनी भीड़ क्यों लगी है? वो भाई, ये कटिंग दे, डेड बॉडी है क्या? हटो हटो हटो। ये क्या किया? मैं क्या करता यार? हेलो, उधर जाओ। अरे जाओ, अपना काम करो, यहाँ पर कोई शूटिंग नहीं चल रही है। मैंने कहा था ना राजा मदद करेगा। ए भाई, तारीफ बाद में, पहले अंदर चलो। ए सुनो, ये लो जाओ। आओ, रो मत। अरे रोना बंद करो ना, सब ठीक हो जाएगा, अपना राजा संभाल लेगा। ए, क्या संभालूंगा मैं, किसे संभाल लूं? दिमाग नहीं है? पहले नहीं बता सकता था? शादी के मंडप से उठा कर ला रहे हो, तुम्हें भी जरा सी अकल नहीं है? अरे कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं था इसलिए उठा लाया। उठा लाया? रखोगे कहाँ पर? एक कमरा किराए पर ले लूंगा ना मैं। उसके लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके जेवर गिरवी रखे। छी, बेशरम कहीं का, लड़की के जेवर गिरवी रखेगा? तो फिर और क्या करूं, तुम्हारे भरोसे आया था, सोचा कि तुम कुछ करोगे, कोई तो रास्ता होगा। तुम इससे प्यार करती हो? सच बोलना। तुम इससे प्यार करती हो ना? कोई और पूछेगा तो यही बोलोगी? गाड़ी निकालो। कहाँ? मुझ पर यकीन है ना, तो आओ इसे भी साथ में ले चलो। चलो चलो चलो। कैसे हो गया ये सब? शादी के मंडप से मेरी बेटी को भगा कर ले गया, वो भूल जाएगा डेकोरेशन? आप रुकिए तो सही, मैंने अब सब रख लिया, छोड़ो तुम मुझे। तो हो गया, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए, आप क्या सब ठीक हो जाएगा, बीच में मत बोलो। मैं बीच में कैसा लगेगा जब तुम्हारी बेटी को कोई मंडप से भगा कर ले जाएगा? अरे देखिए, अरे क्या लग रही थी प्लीज, अब मेरी बेटी को भगा कर ले जाने वाले के मैं टुकड़े कर दूंगा। ये पहले बात तो जान लीजिए। क्या बात, पता चलने दूं? जरा हिम्मत तो देखो इसकी, बेशर्म की तरह मेरे सामने खड़ी है, आज से ये मेरे लिए मर चुकी है, जाकर धक्के मार कर निकाल दो इसे, जाओ सब। अगर मैं इसे सांप के बिल से वापस ला सकता हूँ तो मुझे कम मत समझना, ये चिल्ला पोंछा मचा कर मुझे डराने की जरूरत नहीं है, सबकी हड्डी पसलियां तोड़कर इस मंडप को अस्पताल में बदल दूंगा। इधर आओ, चलो मारो। तुम इसके टुकड़े करोगे ना, अचार बनाओगे, और अपनी इस बेटी को विधवा बनाओगे। प्लीज पिताजी। हेलो हेलो, रुको जरा, बाप और बेटी का रोना धोना बाद में होगा, उससे पहले जरूरी काम बाकी है, चलो। अरे छोड़िए ना पापा, किस्मत खराब है,
जो लिखा है उसे बदल नहीं सकते, रहने दीजिए। क्या घूर क्या रहा है? तुम लोगों के प्यार के बीच में इसका बाप विलेन बन गया। ये तुम्हारा अपना मामला है, इस चक्कर में इस इंसान की बेइज्जती क्यों हो रही है? इनके पैर पकड़कर पहले तुम दोनों माफी मांगो, जरा इनके बारे में सोचो। खुशी खुशी ये दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, इस लड़की के साथ ये अपना ख्वाबों का महल सजाने वाले थे। तुम्हें इनका ख्वाब तोड़ने का कोई भी हक नहीं है, गलत है ये। इसके लिए तुम्हें इनसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। चलो अरे माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, शादी उसी से करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो। तुमने ठीक किया, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं करवाता। खुश रहो, दोनों खुश रहो। ये क्या तमाशा हो रहा है? उसे इस मामले में क्यों हंसी रहे हो? एक मिनट रुको। क्या ये सब? उमा, तुमने गैरेज में मुझसे जो बोला था वही सबके सामने बोलो। नहीं बोलोगे तो इसे पीटता हुआ ले जाऊंगा यहाँ से। नहीं, नहीं, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। पीछे हटो। क्यों बे? अगर ये तुझसे शादी करेगी तो इसको रखने के लिए कोई घर है तेरे पास? मालूम है मैंने कितने प्यार से रखा है इसको? आज अगर इसकी आंखों से आंसू निकला है तो सिर्फ तेरी वजह से। राजा क्या? और ये तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। तुम्हारे कितने घर है, कितना बैंक बैलेंस है, लड़की का ख्याल कैसे रखोगे बताओ। बस लड़की उठा लाए, हो गया। पूछिए सर, प्यार से नहीं डांट कर पूछिए। बता, बता ना। सर 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 सर, आपकी चिंता पूरी तरह से जायज है, लेकिन क्या है ना, इसकी हालत अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अभी बेरोजगार है। पढ़ा लिखा है, जैसे औरों को नौकरी की उम्मीद होती है इसे भी है। जैसे अच्छे दामाद का ख्वाब आपने देखा है ये बिल्कुल वैसा ही बनकर दिखाएगा, और जिस दिन इसकी नौकरी लग जाएगी उस दिन ये हाथ मांगने के लिए आएगा और इसकी शादी आपको करानी ही पड़ेगी। सब सुन लीजिए, आप लोग शायद लड़की के रिश्तेदार हैं, आप लोग गवाह हैं, तब तक हमारी अमानत यहीं पर रहेगी। चलो रुको जरा। अरे तू बीच में क्यों पड़ रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? सर सर छोड़िए ना। कृष्णा। कहाँ तक पढ़ाई की है? छोड़िए ना सर, इसने माफी मांग ली है ना, तो अभी बीएससी कंप्यूटर साइंस। बाबूजी जरा काट दीजिए तो। किस लिए? दीजिए तो सही, ये लो मेरा कार्ड। कल से तुम मेरे यहाँ प्रोग्रामर का काम करोगे, तनख्वाह 15,000 रुपए। थैंक यू वेरी मच सर। ये नौकरी मैं तुम्हारी वजह से नहीं दे रहा, इसकी वजह से दे रहा हूँ। लड़की को भगाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त उसकी शादी चोरी छिपे करा देते हैं, लेकिन ऐसा मैंने पहली दफे देखा कि किसी उसकी आगे की जिंदगी संवारने के लिए बिना डरे दूल्हे से माफी मंगवाने के लिए ले आया। इसकी बड़प्पन की वजह से तुम्हें नौकरी हासिल हुई है, जाओ शादी की बात करो। आपने तो सारी परेशानी हल कर दी, शुक्रिया सर। सर हो सकता है ये आपकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरा ना उतरे, पर आपकी लड़की को अपनी पलकों पर बिठाएगा, मान जाइए ना सर। पिताजी, यहाँ खून की नदियां बहने वाली थी, लेकिन तुमने तो खुशी की लहर ला दी। जीते रहो, तरक्की करो बेटा। पंडित जी शुरू कीजिए। अबे खड़ा क्यों है, शादी के लिए शेरवानी नहीं है? अबे भूल जा, जींस में ही शादी कर ले। पंडित जी शादी की तैयारी शुरू कीजिए। वो अच्छा लड़का है, उसे बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन वो अब नहीं आएगा। ए देखो वो रहा राजा। कहाँ है? मेरे कहने का मतलब वो बाहर नहीं, तुम्हारे दिल में है। तुम्हारे दिल में उसने घर बसा लिया है और तुम ये बात समझ ही नहीं पाई। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर डीसीपी? बैठो। नहीं इट्स ओके सर। बैठो यार। तुम में एक बात है जो सबसे अच्छी है, एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद इस 12वीं फेल के सामने बैठने में झिझक रहे हो। सर आप हमारे होम मिनिस्टर हैं, आपकी इज्जत करना तो हमारी ड्यूटी है सर। वो तो है, कुछ काम था? छोटा सा काम था सर, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए था सर। बच्चे हो क्या, फिल्म स्टार हो क्या जो ऑटोग्राफ लोगे? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप। ये क्या है, मुंबई का कमिश्नर बनने के लिए तुम्हें मेरी सिफारिश चाहिए? क्या सोचते हो मैं इस पर दस्तखत कर दूंगा? आपको क्या लगा 5 रुपए के नोट पर ऑटोग्राफ लेकर एल्बम में चिपकाऊंगा क्या?
ऐसे घूर क्यों रहे आप? मुझे जो काम करना था वो काम मैंने कर दिया, उसके लिए एक रुपया तक नहीं लिया मैंने। अब ऑटोग्राफ दे दीजिए, दस्तखत कीजिए। अभी दस्तखत करनी है? बिल्कुल अभी कीजिए। तुम तो मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें इनकार करना मेरे वश की बात नहीं है, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं है। कल मंगलवार का दिन बहुत शुभ है यार, तुम्हें काफी तरक्की करनी है, तो दस्तखत कल कर दूंगा। ये सिग्नल बंद क्यों है? जैन सर, चलो चालू करवाओ जल्दी से इसे। ठीक है सर, चालू करवाता हूँ। जल्दी करो, ये गाड़ी पार्किंग में क्यों खड़ी है? हटाओ इसको, जल्दी करो। ए गाड़ी हटाओ, सुनाई नहीं दिया क्या? ए ए ए कौन है? तुम्हारे इन मोतियों को जमीन पर गिरने से पहले इन्हें मैं थाम लूंगा, तुम्हारे सर की कसम। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो जाओ ना, मेरे पैर छू के आशीर्वाद लोगे क्या? बेबी से लड़कर आए हो क्या भाई? तुझे जाना कहाँ है? भिंडी बाजार तक। मैं चोर बाजार तक रिक्शा वाले बहुत मनमानी कर रहे हैं, जहाँ बोलो वहाँ जाते नहीं है। इतना बोल रहे हो तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे मीटर से मतलब है, जगह से नहीं। अब टाइम पास मत करो, चलो बैठो। शुक्रिया भाई। लगेज पीछे डाल दो। ये लगेज नहीं है, मेरा सर्टिफिकेट है। लगेज नहीं, गार्बेज है। गार्बेज के साथ बैठे रहो, 30 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। अगर आधा बाहर लटकूंगा तो फिर कितना? ये ऑटो है, तुम्हारी मुंबई की लोकल नहीं है। तेरे इस खटारा से अच्छा तो लोकल ही है। अब डिस्टर्ब मत करो। साइन क्यू प्लस कॉस्ट टू इक्वल टू 10 क्यू। हाँ 10 क्यू। नो मेंशन, तुम हमेशा रिक्शा ही चलाओगे? अरे ये फॉर्मूला है। तो ठीक से बोलिए ना, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक मिलता है तो बनता है पानी। पढ़े लिखे कवार, मुझे समझा रहा है? मैंने फॉर्मूला बोला तो टेंशन में आ गए क्या? चलो आ जाओ, अंदर आके बैठो। मैं बीएससी फिजिक्स हूँ। क्या बीएससी फिजिक्स? बीएससी वाला ऑटो चला रहा तो पता नहीं अब मेरा क्या होगा। पर्दा तो गिरा दो। ये क्या कर रहे हो? बारिश थोड़ी हो रही है। ये प्रोटेक्शन के लिए गिराया है। अगर बस के टायर से कीचड़ उछलकर मेरे ऊपर आ गया तो, कोई विंडो सीट वाला पान खाकर मेरे ऊपर थूक देगा तो, ये मेरा 126वां इंटरव्यू है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए सेफ्टी ले रहा हूँ। ऑटो चलाओ काला जामुन। हाँ बीच वाला भी बंद कर देता हूँ, वरना ये आइंस्टाइन मुझे एक नया फॉर्मूला सिखा देगा। अरे ए, 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 अरे इसने रिक्शा क्यों रोक दिया है? अरे काला जामुन पहुंच गए हैं क्या? अरे साहब इमरजेंसी है सर, समझ गए? घर से करके निकलना चाहिए था ना। कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। नो पार्किंग में ऑटो किसने पार्क किया है?
चलो उठाओ इसे। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 10 थीटा। ये ऑटो रिक्शा एकदम से हवाई जहाज कैसे बन गया है? लगता है ये फ्लाई ओवर के ऊपर से फ्लाई कर रहा है। लेकिन ऐसे कैसे? ये फ्लाई ओवर तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हाईवे का ब्रिज तो इतना लंबा नहीं हो सकता है। एक मिनट जरा देखता हूँ। अरे अरे मैं तो लटक गया। ये ऑटो ऑटोमेटिक रॉकेट के पोजीशन में कैसे आ गया है भाई? तुम अंदर थे क्या और आप बाहर थे क्या? अरे सॉरी सर, मुझे ऐसे उठाकर आप कहाँ लेकर जा रहे हैं सर? दो पार्किंग में पार्क किया था इसलिए उठा लिया। अरे बाप रे, मर गया सर। मैं तो इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि उसने कहाँ पे पार्क किया था। मुझे कैसे भी यहाँ से बाहर निकालिए ना। उसके मुताबिक मैं बीच में नहीं रोक सकता, अब ये चौकी में जाकर रुकेगा। सर आपकी चौकी कहाँ है? एमजी रोड पर। अरे बाप रे, इतना दूर? सर मुझे तो चर्च गेट जाना है सर। उस इलाके में तो पानी भरा गया। इंटरव्यू पानी में। हाय। ये कैसा हो लिया है? स्टाइल है। अच्छा, ये कैसे कपड़े पहने हैं? लव है ना, हीरो दिखना चाहिए ना। सब तुम्हें घूर रहे हैं। फिक्र ना करो, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। ये इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि ऐसा ड्रेस मैंने गोविंदा की फिल्मों में देखा है। गोविंदा की फैन हो क्या? चीची भाई का गेटअप पसंद आया ना तुम्हें? अच्छा ठीक है, ये पॉकेट में पेन की जगह पाइप क्यों रखा है? वो भी दो दो। एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ। काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। फिल्मों में लवर्स एक कोल्ड ड्रिंक को दो पाइप से पीते हैं, देखा नहीं है क्या? कैच, टेक इट। पहले हाथ में हाथ डालकर फिल्म देखेंगे, फिर बीच पर पाव भाजी खाएंगे, पेड़ के नीचे गाना गाएंगे, और फिर मैं तुम्हें बस में ले जाकर घर छोड़ दूंगा और रात में लेट कर तुम्हें याद करूंगा। वैसे हम ऐसा क्यों करेंगे? सारे लवर्स यही तो करते हैं ना। तो हम क्यों करेंगे? ठीक है, नहीं करेंगे तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सिर्फ प्यार हो, जहाँ तुम गोविंदा की तरह ना हो। मुझे 100% ओरिजिनल चाहिए। क्या हुआ? आओ ना लक्ष्मी। हाँ, अरे तुम इन्हें यहाँ ले आए? घर एकदम गंदा पड़ा है ना, और एकदम से ले आए। अब बैठिए ना, एक मिनट मैं उन्हें बुलाती हूँ। सुनिए जी, बाहर आइए। अरे जल्दी आइए ना। देखिए कौन आया है। मैंने कहा था ना इसे यहाँ लेकर आ गए, तो फिर कहाँ लेकर जाता? ओ अच्छा, बैठो। हाँ बैठो 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 बैठो। ये हमेशा तुम्हारी बात करता रहता है। नाम? अब श्वेता, तुम पहली बार घर आई हो ना, क्या लोगी बताओ? जी कुछ नहीं, थैंक यू। सुनिए जी, जरा यहाँ आइए। और यू नो, अरे लेकिन मैं क्यों? तुम लोग बातें करो। अरे क्या कर रही हो तुम? क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया? तुमने तो कहा था ना तुम्हें वहां जाना है जहां पर सिर्फ प्यार हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया। यही वो जगह है जहां की हवा में वो खुशबू है जिसे हम प्यार कहते हैं, और यही वो जगह है जहां मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में बस तुम ही बसी हो। इसलिए तुम्हें इस जगह पर लाना मुझे बेहतर लगा। थोड़ा गर्म है, चलेगा ना? ये लो पकड़ो, खाओ खाओ खाओ। जल्दी में बना दिया, पता नहीं कैसा बना होगा, खाकर देखिए ना। मुझे टेंशन हो रही है। लेकिन क्यों? मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता। मुझे तो कॉफी और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यहाँ तक कि रात का दूध भी नौकरी देते हैं, इसलिए कुछ सीखा ही नहीं। गलत मत समझिएगा, अगर तुम्हें कुछ अच्छा खाना हो तो होटल से मंगा कर खा लेना, क्योंकि
मुझे घर चलाना नहीं आता, कुछ नहीं जानती। तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ जी, ऑफिस के सामने डीसी का मर्डर, क्लीन एविडेंस। ये वीडियो स्टेट पॉलिटिक्स को बेनकाब कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मर्डर के पीछे जो वीआईपी हैं, उनका भी पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं सर, ये यमराज बेहद खतरनाक आदमी है, शराफत के चोले में शैतान है वो। उम्दा टाइटल है, कल से ही प्रमोशन शुरू कर दो। जी सर। शराफत के चोले में शैतान, यमराज के चंगुल में फंसी सरकार। ये खबर देखते ही सरकार में सनसनी फैल जाएगी। आपने सही कहा सर। ये सीन गलती से रिकॉर्ड हो गया सर, जहां मर्डर हुआ वहां पास में ये लोग खड़े थे। देखो यमराज और मैं अलग नहीं है, समझ गए ना? तुमसे जो कहा जाए वही करो, ठीक है? बोलो, मुझसे होशियारी करेगा? ए, मैं धमकी नहीं देता, सिर्फ फैसला सुनाता हूँ। मुश्किल है, आसान करने का शौक नहीं है मुझे। क्या कर सकता हूँ, मैं ईमानदारी से बेईमानी करता हूँ। मार दो। उसका नाम राजा है। एक छोटा सा बाइक मैकेनिक है, उसने तुम्हारी बेटी को फंसाया है। कई जगहों पर उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में समाया देखने के बाद तुम दौड़कर यहां चले आए। और तुम ये सोचकर कांप जा रहे हो कि वो गुंडा तुम्हारा चैनल हड़प ना ले। तुम्हें हर हाल में अपनी बेटी चाहिए, चाहे उसके लिए उस लड़के की जान ही क्यों ना चली जाए। तुम यही चाहते हो ना? शराफत का चोला पहनकर शैतान मेरे पास आया, तुम्हारा यहां स्वागत है। तुम अपने ही टीवी चैनल पर इसे हेडलाइन बनाकर दिखाओगे। अब तुम्हें समझ में आया कि शैतान की ताकत ही हुकूमत करती है। तुम खंजर उठाने से डरते हो और हम यहाँ तलवार से हुकूमत करते हैं। तुम्हारे जैसा पत्रकार, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन के पास सिर्फ प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स होती है और हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। भगवान, आज तो मुझे इंटरव्यू के लिए पहुंचा ही देना। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। चलो, मैं छोड़ देता हूँ। रहने दो भाई, पिछली दफा तुमने तो मेरी चड्डी तक उतार दी थी। तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मैं तो नहीं पहुँचूंगा कि मेरी चड्डी जरूर पहुँच जाएगी। चड्डी के साथ ले जाऊंगा, चलो बैठो यार। ठीक है, मेरी बात सुनो, रास्ता मैं बताऊंगा और तुम सिर्फ गाड़ी चलाओगे। ओके बॉस। ओके, किस तरफ से चलो, लेफ्ट या राइट? पहले तो तुम यू टर्न ले लो। अरे मैं राउंड टर्न नहीं बोल रहा हूँ, यू टर्न बोल रहा हूँ, यू टर्न लो। चलो, रुको रुको, गाड़ी घुमाओ, वापस जाओ, ये रास्ता बंद है। लेकिन क्यों मैडम? पतियों ने अपने पत्नियों के पीटने के खिलाफ बड़ा जुलूस निकाला है। बहुत सही जुलूस है, आपको भी जाना चाहिए। मुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना है, आगे से राइट मार के मैं निकल जाऊंगा। राइट मैडम से भी रास्ता बंद है, पाइप वालों ने पूरा रास्ता खोद के रखा है। पिछले हफ्ते तो उन लोगों ने खुदाई की थी। वो टेलीफोन वाले थे। और जो पिछले मैंने खोदा था वो गैस वाले थे। अरे बाप रे, दिन रात खुदाई, समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग खोद कर तलाश क्या करना चाह रहे हैं। खराब मत करो, चलो यहाँ से निकलने में ही हमारी भलाई है। लेफ्ट या राइट? सीधा चलो, वक्त क्या हुआ, वैसे भी हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, बस अभी घड़ी बंद है। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, गाड़ी घुमाओ, आगे रास्ता बंद है, पीछे से जाओ। लेकिन क्यों सर? मिनिस्टर साहब का पीए इस रास्ते से आने वाले हैं। इन पीए लोगों के लिए आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें जैसा ऊपर से ऑर्डर मिलता है हम तो वही करते हैं ना, बहस मत करो। वैसे एक बात बताइए सर, अगर आपको ऑर्डर मिले कि मुंह से नहीं कहीं और से खाओ तो? एक शब्द और बोला ना तो हवालात की हवा खिला दूंगा। अरे माफ करना सर, निकल जाओ। ओके, लेफ्ट या राइट? यहाँ से राइट ले लो, लेफ्ट का रास्ता बंद है। अरे मैं टेंशन में हूँ यार, तुम राइट लो ना। अरे भाई रुको 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 रुको, आगे नहीं जा सकते, वापस जाओ। इनसे भी पूछ लेते हैं, ये डाइवर्जन किस लिए हो रहा है सर? मुझे नहीं पता किस लिए है, रोज करते करते आदत सी हो गई है,
नींद में भी यही बोलता रहता हूं। ये तो ज्यादती है सर, देश की जनता आपसे जवाब चाहती है सर। सर ये बहुत बोल रहा है, लगता है इसके पास बॉम्ब है। ए, तेरे पास बॉम्ब है क्या? नहीं सर, मैं तो बस जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। चलो यहाँ से। तुम्हें आखिर जाना कहाँ है? भिंडी बाजार में एबीसी कंपनी में जाना है यार। अरे तो पहले बोलना था ना, इस मैकेनिक को रास्ता मालूम है। अब तुम मेरा कमाल देखना, आँख बंद करके बैठो और वहीं पर खोलना। हम धृतराष्ट्र बन गए हैं। लो आ गए, देखा इतनी जल्दी पहुंचा दिया। शुक्रिया मेरे दोस्त। ऑफिस का एड्रेस पूछ लो किसी से। हाँ सर, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ पर है? तुम्हें भी मिलेगा, मुझे मिल गया है। इनको मिल गया, इनको क्या चाहिए? इसे पैसे चाहिए होंगे। ओ, पैसा चाहिए? पहली पगार मिलते ही तुमको दे दूंगा मैं। दरबार में मिलेगा बाबा? मैं बाबा का दर्शन करके आ रहा हूँ। कौन से बाबा का दर्शन? भकिया बाबा का। लगता है मार्केट में नया बाबा आया है। ये लो बाबा जी का लड्डू। और तुम? मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था बाबा। तेरी यही कहानी, कहीं दूर भाई, कहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब मेरी बचाने में क्यों तुले हुए हैं? आगे देखो। अब आगे क्या है? हाथ में लड्डू दे दिया, वहाँ जलेबी की तरह गोल गोल क्या लिखा हुआ है? जरा उसके ऊपर देखो। ऊपर? हाँ ऊपर देखूं? 2 किलोमीटर? ये क्या है भाई? तुम बैठकर ट्रांसलेट करो, मैं बाबा से मिलकर आता हूँ। बाबा से मिलकर आता हूँ? ऊपर वाले मेरा क्या मजाक बना के रख दिया है? कहीं पर खुदाई चल रही है, कहीं पर बस लड्डू मिल रहा है। मुझे नौकरी कब मिलेगी मेरे प्रभु? नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। भूख लगी है, इसे खा लेता हूँ। मेरी कसम खाई थी ना, तुमने तो कहा था तुम उसे जानते ही नहीं। अब बताओ, इस तरह झूठ बोलकर तुमने मेरे यकीन को तोड़ा है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं पापा, वो एक अच्छा इंसान है। उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई, मुझे मत बताओ। तुम उससे नहीं मिलोगे बस। पर क्यों? क्योंकि वो हमारी बराबरी का नहीं है। मैं भी पहले इसी गलतफहमी में थी पापा, लेकिन जब मैंने उसे समझा। समझ लिया ना, बस इतना ही काफी है। अब मुझे ना कुछ समझना है ना समझाना है। क्यों? चाहे मैं मरूं या क्यों? अंदर जाओ। मुझसे जबान लड़ा रही है। राजेंद्र बोल रहा हूँ। श्वेता घर पर है, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तुम जाकर उस हेलो हेलो राजेंद्र, प्यार को तुम कमरे में कैद करके नहीं रख सकते। अगर ताला लगाकर प्यार को रोका जा सकता तो दुनिया का हर बाप इस काम के लिए 10x10 का कमरा जरूर बनवाता। पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम प्रैक्टिकल नहीं हो। खोलो। अरे रे रे रे, जरा देखो तो सही, रो रो कर आंखें लाल हो गई हैं। क्या इसी दिन के लिए तुमने अपनी बेटी को इतना बड़ा किया था? यमराज तुम जानते नहीं। अब उठो बेटा, बाहर जाओ, जिससे चाहो मिलो। तुम्हारा दोस्त लवर जिससे चाहो जाकर मिल सकती हो, और अगर ये जबरदस्ती करे तो मुझे फोन करना। मैं अपना नंबर देता हूँ, 9211420000। तुम फोन करना, मुझ पे यकीन करो। जा जाओ जाओ, ये कुछ नहीं करेगा, बहुत होशियार है, मैंने समझा दिया है, सब ठीक हो जाएगा। ऑटो ऑटो ऑटो, एमजी रोड चलोगे? आइए बैठिए। क्या हुआ? जाओ जाओ ना, नहीं जाओगी? तुम जिससे चाहो बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जो कोई तुमसे बात करेगा उसका यही हाल होगा। जाओ बेटा जाओ। Hmm.
इसे कहते हैं डर। ताला लगाने की जरूरत नहीं है, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दो, ये नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये जान चुकी है कि राजा का हश्र भी यही होगा। हर बीमारी का इलाज है यमराज, यमराज। किससे मिलना है? अरे टेंशन मतलब घर पे राजा है वो क्या? नहीं है, सुबह से नहीं आया है। आप लोग मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ, किसी को भेज कर उसे बुला लो, मैं अंदर बैठता हूँ। चलो रे अंदर आ जाओ। आप लोग उसके गैरेज चले जाइए, वो मिल जाएगा। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? आपसे जो कहा गया है वो कीजिए, किसी को भेज कर उसे बुला लीजिए। ए किचन में देख के क्या बन रहा है, खुशबू तो मस्त आ रही है। फैन चालू कर बे, टीवी भी ऑन कर, अबे जल्दी करना। अरे क्या लेकर आया है बे? क्या बात है, आज तो चिकन बना है। ए डुडू ला बोतल निकाल। अरे क्रिकेट देखने दे यार। अरे ये क्या, ये तो आउट हो गया है। अरे भाभी जी दो गिलास लेकर आइए ना। ए राजू लगता भाभी जी डर गई हैं, तू जाकर गिलास और पानी लेकर क्या। क्या हुआ? पता नहीं, प्रॉब्लम है क्या? चाचा चाचा, घर में कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और दारू पी रहे हैं और राजा के बारे में पूछे हैं और मुझे मालूम नहीं ये लोग कौन है, प्लीज इन्हें निकालिए ना यहाँ से। घबराओ मत, शांत हो जाओ, हम लोग यही है ना। चलो मैं पूछता हूँ, आओ। सुनो बेटा। क्या हुआ चाचा, स्कोर जानना है क्या? 75 पर 3 विकेट गिर गए हैं। नहीं बेटा, बात यह है कि यहाँ पर कई परिवार एक साथ रहते हैं और इनके पति भी इस वक्त घर पर नहीं हैं। देखो भाई, राजा के आते ही हम लोग चले जाएंगे, इनको बोलो जल्दी से उसे बुला दें। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जाकर अपनी दाढ़ी बनाओ ना यार। एक पैक पियोगे क्या, जबरदस्ती की उंगली कर रहे हो? आप आगे देखिए ना, पता नहीं ये लोग कौन है, राजा के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ किस लिए आए हैं? क्यों रे, अब तुझे क्या टेंशन हो रही है हा? एक शरीफ घर की लड़की को छेड़ने की जरूरत की है तेरे दोस्त ने। कौन? राजा तेरा दोस्त ही है ना, उसको बोल दो ये हरकत बंद कर दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और ये भी बोल दे कि अमराज से कभी पंगा ना ले वो, वरना ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है बता दूंगा। एक और बात सुन ले, ये जो बोला है वो धमकी नहीं है, समझ ले, करके दिखा देंगे। कहा ना मैं बता दूंगा उसे। उसे बोल देना कि यमराज के कोर्ट से निकला हुआ फरमान है ये, बात मान ले वरना मर जाएगा वो। ए चलो रे यहाँ से। ये क्या, आज आर्टिस्ट पढ़ाने नहीं गया? लगता है छुट्टी का मजा ले रहा है। इस बाइक को रास्ते पर क्यों खड़ा किया है? पता नहीं। अच्छा राजा सुनो, मैं ऑफिस ये चाबी भी यहीं पर लगी है। अगर उसे बताया गया कि क्या हुआ था तो मालूम नहीं वो क्या कर बैठेगा, इसलिए चुप रहना, बिल्कुल चुप। और हाँ वो ए आर्टिस्ट, खुद को समझते क्या हो तुम, इस इलाके के बारे में जानते हो ना, बर्बाद कर देंगे। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। नहीं समझा, गाड़ी रास्ते में पार करके चाबी वहीं पर छोड़ा है, कहीं चोरी हो जाती तो। ये लो चाबी, ये लो लक्ष्मी, ये संतरा रखो और इसका जूस पिलाओ, आर्टिस्ट टेंशन में है। ये बदबू कैसी? कैसी बदबू? अरे घबरा क्यों रही हो और डरी हुई क्यों लग रही हो, क्या हुआ, आर्टिस्ट ने कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं। ये टीवी सीरियल कब खत्म होगा यार। ये क्या? मुझे नहीं मालूम। कौन आया था? कोई तो नहीं। कौन आया था यहाँ? कोई नहीं। कौन आया था और तुम लोगों को क्या बोल कर गया? कोई नहीं आया था राजा, कोई भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं बताओगे? पांच
लोग लक्ष्मी आंटी के घर में बैठ के दारू पी रहे थे और वो लोग आते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और उन लोगों ने आर्टिस्ट को धमकी भी दी कि तुम्हें उस लड़की से दूर रहना होगा। उन्होंने कहा कि वो यमराज के आदमी है, वो लोग तुम्हारी मौत के इंतजार में हैं। आंटी को बनाया खाना भी खा गए और वो लोग दिखने में खतरनाक थे। सुन, अरे बहरे आए क्या, सुनाई नहीं दे रहा है, रुकने के लिए कहा था ना। अरे अंदर कहाँ जा रहा है बे यार, रुक। श्वेता, राजा, तुम्हारा बाप कहाँ है? लेकिन उसने तुम्हें बंद करके रखा है। डरो मत, तुमने उसे हमारे प्यार के बारे में बताया है ना? वो राजी नहीं हो रहे हैं राजा। सारे बाप एक जैसे ही होते हैं, मुझे मालूम था वो तुम्हारी शादी एक मैकेनिक के साथ कभी नहीं होने देंगे। कहाँ है तुम्हारा बाप? राजा मेरी बात वो सब छोड़ो, तुम्हारा बाप कहाँ है? पहले ये पता कीजिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। कौन है भाई यमराज? यमराज 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 कौन है ये यमराज? देखो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट बात करो, समझे ना? कहाँ है वो यमराज? हाँ, जवाब दो। मेरा नाम है राजा। कौन है यमराज? हाँ, कौन है यहाँ पर यमराज? देख, मैं अकेला तेरे इलाके में आया हूँ। अकेला भिड़ेगा या इन टट्टुओं से भिड़वाएगा? फैसला कर ले फैसला। क्या बे, तू है यमराज? हाँ, यमराज तू है या कोई और? तू है यमराज? ए, बोलना। ओहो, तो वो तू है, तेरा नाम यमराज है? ए, बोलना। मैं यहाँ हूँ। तो तू है यमराज? ये बता, ना तो तू मुझे जानता है और ना मैं तुझे जानता हूँ, तो पंगा क्यों ले रहा है? किसी और की बेटी से प्यार करता हूँ तो तू क्यों बीच में आ रहा है? क्यों बे कॉकरोच की औलाद, किसी और को मुझसे प्रॉब्लम है तो ये फिरकी ले रहा है, मेरे और इसके बीच में तू क्यों पंगा ले रहा है? क्या वफादारी दिखा रहा है? ए सोन, अगर तुझे आग से खेलने का इतना ही शौक है ना, तो तुम मुझसे खेल कर देख। क्या किसी के घर में जबरदस्ती बैठकर दारू पीकर किसी को धमकी देकर खुद को मर्द समझता है? मेरे थिएटर में अपने फिल्म मत चलाना, नहीं तो काट कर रख दूंगा। यमराज, तू होगा यहाँ का डॉन, लेकिन तू मेरे लिए सिर्फ जमीन की धूल है। ये याद रखना कि ना तू मुझे जानता है और ना मैं तुझे जानता हूं। रास्ता मत काटना। पहचान बदल जाती है, रंग बदल जाता है, इस बदलाव के चक्कर में संसार बदल जाता है। अगर इरादे में शोला हो तो सब जलकर राख हो जाता है, लेकिन वो प्यार ही होता है जो मरने के लिए कहीं भी चला जाता है। ये बेचारा प्यार का मारा है। ये भी कमाल है यार, इश्क में आदमी का दिमाग घास चरने चला जाता है। चुटकी में ठीक कर दूंगा, उसका सिर काट के ले आऊं बॉस। अच्छा, तू उसका सर काट लेगा? हाँ बॉस। तूने उसकी हिम्मत नहीं देखी? इसे इसे काबू में करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये तुझे टेढ़ा कर देगा।
यार समझ में नहीं आ रहा है, मेरा नाम यमराज किसने रखा? वॉशिंग पाउडर निर्मला, वॉशिंग पाउडर निर्मला, दूध सी सफेदी। डॉक्टर साहब, कार खराब हो गई है क्या? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नो नो नो, आई एम अ डॉक्टर, आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, यू गो। हेलो वकील साहब, कोर्ट जा रहे हैं, आइए गाड़ी में बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, यू गो। ओके गो गो। जॉबलेस फेलोज, इस सफेदी की चमक की इस दुनिया में बहुत इज्जत है, इसीलिए राजकुमार सर और जितेंद्र सर हमेशा सफेद कपड़ा पहनते हैं। तो आज ये सफेदी की चमक वाली ड्रेस मुझे अच्छी नौकरी जरूर दिलवाएगी। अबे भाग कहाँ रहा है तू? पहले ये पकड़। यहाँ देख मेरे कपड़े का क्या हाल किया तूने? छोड़ दो, मुझे भागना है। जिंदगी में हर किसी को भागना पड़ता है, मैं भी इंटरव्यू के लिए रोज भागता हूँ। चल अपनी कमीज उतार। सर जाने दो ना, वरना मुसीबत आ जाएगी। अरे मुसीबत क्या आएगी, वो तो मेरा दूसरा नाम है। इंटरव्यू के लिए जा रहा था नहा धोकर सफेद कपड़ा पहन कर, तूने सब गुड़गोबर कर दिया। चल अपना कमीज उतार जल्दी से। मेरी कमीज ले लीजिए। ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी तो चोरी बंद हो जाएगी। स्मार्ट लग रहा हूँ ना, बस बदबू आ रही है। और आप कह रहे हो कि बदबू आ रही है। जा जा जा। सर, कुत्ते ने चोर की गंध को पहचान लिया है। ओके, फॉलो करो उसको। ओके, इट्स ऑल राइट। मैं ये छोटे मोटे काम करता रहता हूँ, वैसे मुझे इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा नहाना पड़ेगा। चल के अपने ससुराल में नहा लेना। सर, ये तो वही चोर है जिसने दुकान से सामान चुराया था। सर ये तो वही चोर है जैसा होलिया दुकानदार ने बताया था। क्या बे, हुलिया बदलकर हम लोगों को चूना लगाएगा तू? सर यू रॉन्ग सर, मैं कोई पान वाला नहीं हूँ कि चूना लगा दूंगा आपको। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा था। ये कमीज भी मेरी नहीं है। सर ये देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर टू। आर टू तो चोरों का कोड है। क्या? इसे गिरफ्तार करो। सर आपके कुत्ते ने गलत जगह नाक घुसेड़ दी है। सर हमारे कुत्ते ने कोई गलती नहीं की है, अब तक 99 चोर पकड़ चुका है। और आप लोगों ने एक भी चोर नहीं पकड़ा है क्या? अरे मारो बस। तीनों दिन काफी शुभ हैं। 27, 28, 29। 27 ठीक है क्या? ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ? ठीक है, छाप दो। क्या छापूं? लड़के का नाम है राजा, लड़की का नाम है श्वेता। वो दोस्तों के सामने 27 तारीख को आर्य समाज मंदिर में शहनाई बजवाएंगे। इनके पापा और यमराज आशीर्वाद देकर हम दोनों को हमेशा के लिए एक कर देंगे। हाँ, बुलाने वाले हैं अशोक, नागलक्ष्मी और दोस्त। यही प्रिंट करना है? नहीं तो क्या, मजाक कर रहा हूँ। मंगलसूत्र है? कैसा चाहिए आपको? जो गले में पहना जा सके। मजाक मत करिए, आपको कैसा मंगलसूत्र चाहिए वो तो बताइए। कैसा मतलब? अलग होता है क्या? लव मैरिज है। हाँ, हमें अलग करने का इरादा है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कहा जाता है कि मंगलसूत्र घर के बुजुर्गों को खरीदना चाहिए। अब मैं बुजुर्ग कहाँ से लाऊं? मैं तो बचपन से ही यतीम हूं। आप अपनी बेटी की शादी में जो देते वही दे दीजिए। जिससे सब मंगल हो, ऐसा मंगलसूत्र चाहिए मुझे। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मैंने बैठने को कहा क्या? सॉरी सर। आज इंटरव्यू लेटर भेजने के बाद आज आए हो तुम? सर हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं पहुंच नहीं पाता हूं टाइम पर। फाइनली आज मैं पहुंच गया सर। कहाँ से आए हो? भिंडी बाजार से सर। वहाँ भिंडी मिलती है क्या? भिंडी मिलता है और सिंडी भी मिलता है। तुम्हारा नाम? चिंतामणि। चिंता बहुत करते हो। पानी के लिए चिंता करता हूँ बस। क्वालिफिकेशन क्या है? मामा। हा? ये कौन सी डिग्री है? अगर मैं कहूँ कि मैंने डबल एमए किया है तो शायद आप हंस देते, इसलिए मैंने दोनों को मिला के मामा कह दिया। ठीक है, तुम्हारी नौकरी सर, पक्की? थैंक यू वेरी मच, बहुत आसानी से मिल गई नौकरी। इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा सर, ठीक है सर। ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, मान लो अगर आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? सर ये तो अपशकुन होगा ना सर, पहले ही दिन आग। शट अप, ये बताओ ऑफिस में आग लगने पर तुम क्या करोगे? वो ऑफिस में दो दो फोन है सर, फायर ब्रिगेड को फोन करूंगा, वो आकर आग को बुझा देंगे। समझ लो कि दोनों फोन खराब हैं। ओ तो क्या हुआ सर, ये देखिए यहाँ पर सेलफोन भी है, इससे फायर ब्रिगेड को फोन करूंगा, वो आकर आग बुझा देंगे। इसका बिल नहीं भरा गया इसलिए आउटगोइंग बंद है। हाँ, अभी अभी मैंने ऑफिस के बाहर देखा था सर, वहाँ 3 लाल रंग की बाल्टियां टंगी थी, उसमें भूरा भूरा बालू रखा हुआ था, मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा और आग को बुझा दूंगा। मान लो उस बाल्टी में भूसा भरा हो तब क्या करोगे? भूसा? हाँ यहाँ पर बाथरूम है ना सर, और नल में पानी आता होगा, मैं बाल्टी में पानी भरकर लाऊंगा और उससे आग को बुझा पानी दूंगा। का बिल नहीं भरा गया है, पानी भी नहीं आ रहा है, अब बताओ। पानी भी नहीं आ रहा है क्या?
सर लिफ्ट है ना, मैं लिफ्ट से नीचे जाऊंगा। बिजली का बिल नहीं भरा गया, लिफ्ट भी बंद है। जब आया तब तो चल रही थी। फिर क्या करोगे? सर मैं सीढ़ी से नीचे जाऊंगा, सिक्योरिटी को बता दूंगा, वो पब्लिक फोन से फायर ब्रिगेड को फोन करेगा, वो आएगी और आग को बुझा देगी। ये नहीं हो सकता। क्यों सर? सिक्योरिटी को सुनाई नहीं देता और 6 बजे के बाद तो उसे दिखाई भी नहीं देता। दिमाग की बत्ती बुझ गई ना। जल भी गई सर। सर मुझे मेरा सर्टिफिकेट दीजिए, मैं अब चलना चाहता हूँ। ठीक है। क्या रे, बहुत बोल रहा था तू। फोन आउट ऑफ ऑर्डर है, सेल फोन का बिल नहीं भरा है, ऑफिस की बाल्टी टूटी है, उसमें भूसा भरा हुआ है, पानी का बिल नहीं भरा इसलिए बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, बिजली का बिल नहीं भरा इसलिए लिफ्ट भी नहीं चल रही है, सिक्योरिटी वाला दिन में सुनता नहीं है और 6 बजे के बाद उसे दिखाई भी नहीं देता है। ना ये ऑफिस नहीं कचरा घर है, इससे तो बेहतर ये है कि इस ऑफिस में सचमुच में आग ही लग जाए, तब क्या करोगे बोलो। हाँ? फायर, अरे कोई पानी लाओ, अरे कोई पानी लाओ, बुझाओ से आग, बुझाओ। जल नहीं है टेबल से पिया, टेबल पर लगी आग है, आग है, आग है। अंदर से धुआं क्यों निकल रहा है? मेरी सुलगा रहा था उसकी, सच में जल गई। यस नाश्ता। तुम जाओ। शादी कर रही हो ना? नहीं पापा। सुबह से देख रहा हूं, खातिरदारी कर रही हो, यहां मेरे सामने खामोश खड़ी हो, मैं सब समझता हूं। चलो बताओ कब है शादी? वो पापा गुड। वेरी गुड। आमतौर पर बाप अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटता है, लेकिन मैं पहला बाप हूं जिसकी बेटी उसे अपनी शादी का कार्ड दे रही है। ग्रेट। नहीं पापा, आपकी मंजूरी के बगैर। मंजूरी चाहिए? भूल जाओ, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी शादी का कार्ड छपवा कर पहले मुझे चैलेंज किया और अब मेरी बेइज्जती कर रही हो। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं पापा। मेरी बेटी मामूली मैकेनिक से शादी करेगी और मैं ये होने दूंगा। हाँ अब देखना, मैं भी देखता हूँ कि वो क्या करता है। ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, मेरे जीते जी हरगिज नहीं होगी। देखिए हमें आपकी पूजा नहीं आती, वो लक्ष्मी कहती है कि शादी से पहले मंदिर जाना अच्छा होता है, इसलिए आ गया हूँ। श्वेता अच्छी लड़की है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, जरा ख्याल रखिएगा। नाम और गोत्र बोलिए। नाम तो राजा है, अब जब ये ही नहीं जानता कि नाम किसने रखा है तो गोत्र कैसे बताऊं? बस जिंदगी खुशहाल बीते ऐसा मंत्र पढ़ दीजिएगा। ठीक है। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु।
बोलिए शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माँ दुर्गा की जय। ओम भूर्भुवस्व तस्व विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्वा द्रविणं, त्वमेव। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्वा द्रविणं, त्वमेव। तमेव सर्वमं देव देवः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बॉस, टकलू बोल रहा हूँ मैं। उठा लूँ क्या मैं इसको? इसका गेम बजा दूँ या सिर्फ मार कर छोड़ दूँ? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, भीगी बिल्ली बनकर खड़ा है मेरे सामने, घूर रहा है मुझे इस वक्त ये।
मेरा श्राद्ध करने चला था यमराज का, उसी की चिता सज गई, उसी का स्वर्गवास हो गया। ये हमारे आदमी 500 रुपए के लिए भी मर्डर कर देते हैं। जरा उधर देखिए। ए, अपने आदमियों को बोलो कि उसका क्रियाकर्म कर दे और नहा धोकर शुद्ध होकर मेरे पास आए। तुझे मेरी बॉडी चाहिए थी ना? पासा पलट गया, देखना है। ए, देख लिया तूने? ठीक से देख ले कि ये तेरे ही आदमी है किसी और के। गिन कर देख ले, पूरे हैं या फिर कुछ कम हैं? ए यमराज, अपनी औकात में रह, समझ गया ना? किसी और के लफड़े की वजह से मुझसे पंगा मत ले। तेज धार वाली तलवारों छुएगा भी ना तो कट जाएगा, समझ गया ना? मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे बीच कोई जाति दुश्मनी नहीं है, याद रखना, नहीं तो जान से जाएगा। तू बाज नहीं आएगा। तू बोलता है मैं करता हूं, ये तेरी बाजी थी और तू खुद ही पलट गया। अगर मैं अपनी औकात पर उतर आया ना तो तुझे और तेरे आदमियों को चुन चुन कर मारूंगा, और अगर एक बार भी डिसाइड कर लिया तो काम तमाम होने तक दुश्मन के सीने पर डांस करता रहता हूं, तैयार रहना। उतारो मुझे, उतारो। लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या बात है राजा? देखो क्या लाया हूं, नोटिस, शादी की नोटिस। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, फैमिली मैन बन गया हूँ। ये अच्छा है, फैमिली मैन वाला दूल्हा अच्छा है, देखो कैसे शर्मा रहा है। वो सब तो ठीक है, पर खाने में क्या बना है? लड़के का नाम राजा, जिसकी श्वेता नाम की लड़की से आर्य समाज मंदिर में दोस्तों के सामने 27 तारीख को शादी है। श्वेता के पापा की ओर से सभी आमंत्रित हैं। हमारी तरफ से स्वागत करेंगे अशोक और नाग लक्ष्मी। मैं बेहद खुश हूं राजा, जब वो देखेंगे ना तो खुशी से उछल पड़ेंगे। राजा कब आएंगे? कौन? अशोक और कौन? तुम्हारे आदमी ही तो उन्हें यहां से लेकर गए ना, तुमने ही तो बुलाया था ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ, मैंने ही तो बुलाया था, तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं उनको। हे भगवान, पता नहीं दिमाग। मैं तो डर ही गई थी जब तुमने कौन कहा, तुमने ही तो भेजा था ना उन लोगों को। हाँ, फिर तो ठीक है। तुम फिक्र मत करो, कल सुबह तक वो आ जाएंगे। डरो मत लक्ष्मी, थोड़ा अर्जेंट था इसलिए तुमसे बगैर पूछे मैंने भेज दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, आखिर मैं बुरा क्यों मानूंगी, वो तुम्हारे काम से गए हैं ना, वैसे भी शादी में बहुत काम होते हैं, क्या मैं इतनी बेवकूफ दिखती हूँ? हाँ चलो खाना खा लो। चलो तुम लोग भी खा लो। नहीं हमें कहीं जाना है, हम लोग वहीं पर खा लेंगे, तुम खा लो और सो जाओ। चलो। लक्ष्मी दरवाजा बंद रखना और उसमें ताला जरूर लगा देना। डरना मत, हम लोग बाहर ही हैं, जरूरत होगी तो हमें बुला लेना। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखना और आर्टिस्ट आ जाएगा। हाँ अच्छा। ए, क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों हो? कुछ भी तो नहीं। अरे छोड़ो, यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ राजा? बाबू अगर घर पे हो तो उसे बुला लो। ठीक है। क्यों? तू जाना। हाँ। क्या बात है यार? ये हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा है? आखिर बात क्या है, आर्टिस्ट को तुमने कहाँ भेजा है? मैंने भेजा है,
आ जाएगा। हाँ तो भेजा है, लेकिन कहाँ भेजा है राजा? अब, अरे आप क्यों आ गई? अरे ये सब क्या मजाक है, दो लोग शाम को आया और कहा कि बाबू को तुमने बुलाया, तो बाबू उनके साथ चला गया और अब तुम उसी के बारे में पूछ रहे हो। अब मार खाएगा तू। मैंने बाबू को कहाँ बुलाया? कहा कि भोलू के दुकान पर देख कर आ, कोई काम ढंग से नहीं करता। मैंने ही उसे कहीं भेजा है, कल सुबह तक आ जाएगा। आप जाइए, जाकर सो जाइए, जाइए ना। तुम भी हद करते हो, पूरी रात भटकते रहते हो, ये ठीक है क्या? ए, जा तू। ए, बाबू को तूने ही बुलाया था ना? हाँ बाबा, मैंने ही बुलाया था, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढू उसको। तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन क्यों? अरे कुछ नहीं, तुम लोग जाओ यार। अरे संभल कर जाना। अरे हमारा इलाका है, हमें क्या होगा। हाँ जाओ, चलो। गोपी, गोपी क्या बात है? गोपी को बुलाइए। अरे अभी तो तुम्हारे दोस्त आए और उसे अपने साथ ले गए, पहुंचा नहीं क्या? छोड़ो, गोपी आया था क्या? नहीं तो। नहीं आया? नहीं नहीं आया। हेलो। हेलो, मैं राजा बोल रहा हूँ, कृष्णा है क्या? हाँ कृष्णा ही बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात है? तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। सूटी, बहुत दिन से तुमने मुझे फोन भी नहीं किया, फिर बात हो रहा है। अगर तुम कहो तो इस वीकेंड पे कोई मूवी देखने चलते हैं। अब सुनिए, वो कृष्णा यहाँ पर था। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? राजा। अभी तो आपने फोन किया कि आप नीचे इंतजार कर रहे हैं, आपको नहीं मिला क्या? वेलकम, आइए आइए। नमस्कार, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। श्वेता, देखो बेटा कौन आया है, बोलिए क्या पिएंगे? कॉफी? बेटा इन्हें कॉफी नहीं पिलाओगी? क्या सोच रहे हैं? आइए बैठिए ना, प्लीज बैठिए। मैं आपसे मिलने आने ही वाला था, लेकिन आप ही यहां आ गए, अच्छा लगा। रुको बेटा, इनके लिए कॉफी मैं खुद बनाऊंगा। ये लीजिए, पीजिए ना। क्यों, ठीक है ना? इतना काफी है या और कुछ ज्यादा चाहिए? उम्मीद है काफी होगा, कम हो तो बता दीजिएगा, बढ़ा दूंगा। वैसे मैंने कार्ड देखा, देखकर सुकून मिला। तो अब तुम लोग साथ बैठकर हनीमून की प्लानिंग कर लो। थैंक्स पापा, आप मान गए। अरे बेटा, मुझे अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी प्यारी है। जरूरी है ना, है ना दामाद जी? क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे आप? खुश तो है ना? मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच लीजिए। ए, ज्यादा होशियारी नहीं राजा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी बेटी शादी नहीं कर सकती, यही कहना चाहते हो ना? पापा राजी हो गए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे खाक राजी हो गए, तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हें और कुछ ज्यादा चाहिए? अगर तुमने कुछ ज्यादा किया ना, तो अपनी असली औकात दिखा दूंगा मैं तुम्हें। पता है हमारी शादी से सबसे ज्यादा कौन खुश था? मेरे चारों दोस्त। मुझसे मुंह की खाई तो उन लोगों को उठवा लिया, उन बेचारों का क्या कसूर था? तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, मैं अनपढ़ हूं, गरीब हूं और ऊपर से बिन मां बाप का भी हूं। इनकार करने की यही वजह थी ना? अरे तुम खुद को पढ़ा लिखा कहते हो ना,
शर्म नहीं आती? जान लो, अगर मुझे दोस्ती का फर्ज निभाना आता है तो दुश्मन को चीरना भी आता है। आमने सामने से वार करता हूं मैं, पीठ में खंजर खोपना मुझे नहीं आता। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे किसी को भी नहीं आता। हम अपने कपड़ों से गंदे जरूर दिखते हैं, लेकिन दिल में पवित्र भगवान बसते हैं, साफ और शुद्ध। हमारे बीच में पैसा फर्क नहीं करता, इंसानियत करती है। अरे जो बाप अपनी बेटी की खुशी नहीं समझ पाया, जरा सोचो कि वो बाप कितना गरीब होगा। एक बात और सुन लो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं इससे शादी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। ये क्या कह रहा है? मैं अपने प्यार की कसम खा के कहता हूँ राजा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने तुम्हारी बेटी को लौटा दिया है, शाम तक मेरे दोस्त भी घर लौट जाने चाहिए। जिंदगी एक पहिया है, कब जीतने वाला हार जाए और हारने वाला जीत जाए पता नहीं चलता। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। राजा भैया, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? नहीं, मेरे भैया कब आएंगे? आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। तुम जाओ, घर जाओ। लेकिन कब? वो कल सुबह तक या कल शाम तक आ जाएंगे। क्या हुआ, साफ साफ बताओ ना। अरे बेटा, तुम मेरे लड़के की तरह ही हो, मुझे सच सच बता दो, वो कहाँ गया है? वो रात को चाहे जितनी देर से आए, चाहे रात के 2 बजे आए, उससे डांटे बगैर, खिलाए बगैर नींद नहीं आती मुझे। वो कहाँ है बेटा? फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगे। भैया गलत मत समझना, आप पर मुझे पूरा यकीन है। प्लीज भैया, मुझे सच सच बताइए, मेरे पति घर कब आएंगे? क्यों हो, उसे कुछ हो गया है क्या? नहीं चाची, वो आ जाएंगे, मैं उन्हें खुद लाऊंगा। उन्हें खुद लाओगे, लेकिन कहां से लाओगे? नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहा हूं। मैं तो उससे अकेला लड़ने गया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो मेरे दोस्तों को किडनैप कर लेगा। क्या कहा, मेरे बेटे का किडनैप हो गया है, उसके बगैर हम लोग मर जाएंगे। नहीं चाची, नहीं, चाहे जान भी क्यों ना देनी पड़े, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, मुझ पर यकीन कीजिए। तुम्हारे ऊपर तो हमेशा यकीन है बेटा, लेकिन तुम उन लोगों से अकेले कैसे लड़ोगे? जानता हूँ चाची कि मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बस एक दिन, बस एक दिन मेरे लिए हिम्मत रखिए। कल तक आपका बेटा और मेरे सारे दोस्त यहीं पर होंगे, आपकी कसम। उन सब को छोड़ दो। क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? हड्डी पसली एक कर दूंगा। मेरे भैया कब आएंगे? बोलो ना राजा, मेरा बेटा कहाँ है? लड़की घोंसले के साथ उड़ गई और तुम्हें यहाँ फड़फड़ाने के लिए छोड़ गई। मैं तेरा पंख कुतर दूंगा। मेरा बेटा किडनैप हो गया, उसके बिना हम लोग मर जाएंगे। बस बहुत हो गया, मेरे दोस्तों का मेरे प्यार से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मेरे पति घर कब आएंगे? तो चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन उन लोगों को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। मेरे सारे दोस्त यहीं पर होंगे,
तुम्हारी कसम। ले जाकर इसी के इलाके में फेंक दो इसे। राजा, तुम लोग ठीक हो? कितनी चोट लगी है तुम्हें? मैं यही चाहता था। लेकिन कैसे? वो सब छोड़ो आर्टिस्ट, छोड़ो। तुम सब लोग ठीक हो ना? लक्ष्मी, आर्टिस्ट आ गया ना? राजा, चाची आ गया। ए, तेरा भाई आ गया। तुम्हारा बेटा आ गया। सब अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा होगा। ये मेरा मुझे बताओ क्या हुआ? ये आर्टिस्ट, लड़की का बाप अपनी बेटी को दुनिया की सारी दौलत देना चाहता है, लेकिन उसकी लड़की की असली खुशी किसमें है ये क्यों नहीं समझ पाता? क्यों नहीं समझ पाता? देखो, नहीं आर्टिस्ट, मुझे अकेला छोड़ दो। देख रहे हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, सबके साथ अच्छा होगा। ये फिर वापस क्यों आया है? ठिकाने लगा दो इसे। मैं चाहूं तो इसे कब्रिस्तान में बदल दूं, लेकिन इसके लिए नहीं आया हूं मैं। अपने भाड़े के टट्टुओं से कह दो मुझसे ना उलझे, नहीं तो उनकी लाशें बिछा दूंगा। खुद को देख, आंखों में डर झांक रहा है ना? सोच रहा है ना कि इतना पिटने के बाद भी ये यहां वापस क्यों आया है? तुझे डर है कि अब मैं क्या करूंगा? ए! क्या हा? तुझे मिर्ची लग रही है? तू भी ऊपर की लाइट फोड़ना चाहता है जैसे उन लोगों ने फोड़ी? मजा लेना है तुझे? रुक रुक, अभी दिलाता हूं। प्यार करने वालों को जुदा कर दिया ना, क्या मिल गया तुझे? किसी चौराहे पर ऊंची मूर्ति लग गई क्या? तुझे गुरूर है कि तेरे काले कारनामों को सरकार नजरअंदाज करती है और तू बिंदास गाड़ी में घूमता है? अगर सरकार बदल गई ना तो तुझे पागलों की तरह घसीट कर मारेंगे। इनमें से एक भी तुझे बचाने नहीं आएगा, कौवे की तरह धमाका सुनते फरार हो जाएंगे। चल भाषणबाजी बंद। तुम्हें मेरे वापस आने पर ताज्जुब हुआ है ना? मुझे लगता था कि तू बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए मैं तुझे थैंक्स बोलने आया हूँ। जानता है किस लिए? मैं चाहता तो तुझे टपका टपका देता, तू भी मेरे दोस्तों को मार सकता था, लेकिन तूने भी अपने वादे के मुताबिक मेरे दोस्तों को जरा से भी खरोच तक नहीं आने दी। तेरी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पराए लोगों के लिए तूने अपने आप को खतरे में डाला, इस गंदे धंधे में भी तेरी ईमानदारी मुझे छू गई यार। अगर तू दो मिनट के लिए भूल जाओ कि तूने पैसे के अलावा कभी भी खुद के लिए हत्या, फिरौती, डकैती कुछ भी की है, तूने कभी प्यार किया है क्या? अरे करता तो कभी खून नहीं बहाता। अगर गलती से कोई चाहने वाली होती ना तुझे, तो शायद तू ये धंधा करता ही नहीं। तूने मुझसे मेरी देवी छीन ली, लेकिन मेरे दोस्तों को वापस कर दिया। मैं सलाम करता हूं तुझे, तू ऐसे दोस्त बना जो तेरे लिए अपनी जान भी दे सके। अगर यह मुमकिन नहीं है तो दुश्मन बनाना बंद कर दे, क्योंकि वो तेरी जान के पीछे पड़े हैं। एक बात और बता देता हूं, अपनी जिंदगी में कभी किसी आशिक को मत छेड़ना, क्योंकि हर कोई राजा जैसा नहीं होता। चलता हूं।
असली 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 मर्द है तू, असली मर्द। अगर इसे जैसा मुझे पहले कोई मिला होता तो मैं इस शहर का होलिया बदल देता। हिम्मत का जीता जागता मिसाल है ये लड़का। मेरे इलाके में आकर मेरे जैसे को चैलेंज कर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के मुझे बेइज्जत करके रख दिया। अरे तुझसे पंगा लेकर गलती कर दी, तो वाकई वाकई हिम्मत वाला है। बंदूक चाकू और डंडे से तो कोई भी मार सकता है, लेकिन इसने शराफत की चप्पल से मारा है मुझे। तू है एक शेर का बच्चा। इसने मेरा दिल जीत लिया है। छोड़ दिया, आज से ये सब छोड़ दिया। कितना सच बोला रे तूने, अगर मेरी जिंदगी में मुझे कोई चाहने वाला होता। सच बोला, अगर कोई मुझसे सच्चा प्यार करता, मुझे संभालता, मुझे समझाता और मैं ही उसकी जिंदगी होता तो मैं ऐसा कभी नहीं बनता। जो भी किया वो कभी नहीं करता, रिश्ते की अहमियत को समझता। छोड़ दो सब, सारा धंधा बंद हो जाएगा बॉस। तुम जाओ। ए, जाने दो उसे, जाने दो उसे। अरे बोला ना, जाने दो उसे। चौक क्यों गए? तुमने कहा कि वो असली मर्द है, हम लोग उसे क्यों मारे? मुझे पहले से ही पता था कि उस लड़के से दुश्मनी महंगी पड़ेगी, तो फिर कोई तो मरेगा ना। क्यों, तुमने तो हथियार डाल दिया है, तो मैंने सोचा कि हथियार मैं ही उठा लूं। क्या ठीक है ना? हाँ मार दो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मौज आ गई। ऐसे क्या देख रहे हो, मारो इसे। ए, मारना, अच्छा मजाक है। जब भी तुम किसी को मारते हो तो मैं ही टपक पड़ता हूँ। मैंने फिल्मों के अलावा कभी सामने मर्डर होता नहीं देखा है। चल करके दिखा। तुम लोगों ने बंदूक वगैरह नहीं रखी है क्या? ए, तुम इसे मारो, मैं देखूंगा। यमराज, सांप को दूध पिलाकर पालने का रिवाज तो मैंने सुना है, लेकिन तूने तो यमदूतों को सिगरेट पिला पिला कर पाला है। सिर्फ मुझसे ही नहीं, इससे दुश्मनी भी तुझे महंगी पड़ेगी। ए, क्या बे, तुझे कोयता पकड़ना भी नहीं आता है क्या? इसे मजबूती से पकड़ और इसे उठाकर गर्दन पर मार, एक ही झटके में दो टुकड़े। डर गया क्या? ये तैयार है, पकड़ो, मारो। मारना, मारना, मारना। पीछे से वार करने वालों को मैं हाथों से नहीं लातों से मारता हूं, समझा? हेलो, तुझे तो हाथ लगाना भी गुनाह है। आओ, आ जाओ,
देख लिया, इसने मेरी पूरी हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया और ऐसे खड़ा है जैसे कुछ किया ही ना हो। देख रहे हो ना, जाओ दामाद से मिलो, पहाड़ जैसा शक्तिशाली है, तुम्हारी बेटी को इससे बेहतर पति इस जन्म में नहीं मिलेगा। तुम्हारी इतनी दौलत, मेरी इतनी ताकत क्या है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। जब कोई हारा हो तो उससे जीतने में मजा नहीं आता। यलो, जिस खुशी से एक बाप अपनी पैदा हुई बेटी को पहली दफा अपनी गोद में लेता है, उसी खुशी से अपनी बेटी को विदा भी करना चाहिए। अगर जरा भी गुरूर हुआ, जिंदगी खत्म। किसी को तकलीफ पहुंचाकर मैं शादी नहीं करूंगा, खास करके एक बाप को। तुम जज्बाती इंसान हो, इसलिए मुझे समझे नहीं। मालूम है, पहले तो ये भी धोखे में थी और ये आज समझ पाए, एक दिन आप भी समझेंगे। मैं बाप बेटी को जुदा नहीं करना चाहता, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं परिवार ना होने की तकलीफ क्या होती है। चलता हूं। राजा।